जी सलाउद्दीन साहब प्लीज स्टार्ट कीजिए। जी तो मैं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज का ये सेशन हमारा केमिस्ट्री का सेशन, हम लोग अभी इंशाल्लाह कुछ ही देर में शुरू करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि शुरू करें, मैंने जैसे प्रोग्राम बताया, प्रोग्राम का आगाज हमारे चेयर की कीनोट टॉक से होगा और उसके बाद तमाम शुरका अपना अपना मखाना पेश करेंगे। तो आज के हमारे शेर इस सेशन के चेयर प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ पठान साहब हैं, जो मौलाना आज़ाद कॉलेज औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैं ज़्यादा वक्त इनके तमाम डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, वक्त की तंगी की वजह से बेहतर हैं हम इन्हें सुने और हम इनके प्रोफेशनल वर्क को जानें। लेकिन छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैं ये देना चाहता हूँ कि आपकी माशाल्लाह इब्तदाई तालीम से ही उर्दू से जुड़े हैं, जो हमारे सब के लिए एक अच्छी सी प्रेसिडेंट हैं। और इनकी तालीम बीएससी के बाद मराठवाड़ा डॉक्टर बीए मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से हुई, उसके बाद फिर आपने बीएड किया, डीआईटी किया, नेट और पीएचडी इन्होंने 2008 में मुकम्मल की मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से, और नावल इंडिकेटर्स फॉर फ्लोवर एक्सट्रैक्ट पर इनका वर्क रहा, और एक तवील टीचिंग का एक्सपीरियंस लगते हैं, मोर देन 26 ईयर्स यानी 27 साल, अराउंड 26-27 साल का तजुर्बा टीचिंग में रखते हैं, रिसर्च में रखते हैं। और इनकी शुरुआत मौलाना आज़ाद कॉलेज में एज ए लेक्चरर हुई और बढ़ते हुए मुकम्मल प्रोफेसर का दर्जा इन्होंने 2019 से वो एज ए प्रोफेसर काम कर रहे हैं। और ये कई जगह मेंबरशिप रखते हैं अपनी एजुकेशनल रिसर्च काउंसिल्स में। और सबसे ज्यादा चीज मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि आपके माशाल्लाह 5 पीएचडी स्टूडेंट्स अवार्ड हो चुके हैं और 4 स्टूडेंट्स रजिस्टर हैं और करीब 70 नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशन रखते हैं ये, और कई इनवाइटेड टॉक्स हैं। तो मैं बिना किसी ताखीर के मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमें आज हमारे सेशन चेयर करने के लिए वो शख्स मयसर है जो उर्दू से भी और फिर केमिस्ट्री से भी बहुत ही आगे और हम्बल स्टार्ट से है, जो हमारे तमाम स्टूडेंट्स के लिए ऑफकोर्स एक मशाल रहा होगा। तो मैं दावत देता हूँ प्रोफेसर आरिफ पठान साहब को, प्लीज आए और आप अपना खुतबा यानी अपना मखाना पेश करें प्लीज सर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं अपना पीपीटी शेयर करना चाहूंगा। सुभाष सर जी, सर मैं छोटी आपकी मदद चाहूंगा कि प्रोफेसर पठान साहब अपना पीपीटी शेयर करना चाह रहे हैं। हाँ कर सकते हैं सर। जी सर, तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर सलमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और नेशनल उर्दू साइंस कांग्रेस के कन्वीनर और बाकी के जो अमला है उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक इनवाइटेड टॉक के लिए इनवाइट किया है, जो मैं आज अपना टॉपिक डिसाइड किया है वो है फ्लोरिनेटेड और गैर फ्लोरिनेटेड गैर मुतनाजिस हल्की मरकबात हेट्रोसाइकल्स की तालीफ की नई हिकमत अमली और तरीक़े यानी स्ट्रेटजीज टू द सिंथेसिस ऑफ फ्लोरिनेटेड एंड नॉन फ्लोरिनेटेड हेट्रोसाइकल्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक मरकबात ये बहुत अहमियत के हामिल हैं और जितने भी नामियाती मरकबात आजकल हमारे सामने हैं उनमें से 85% में हेट्रोसाइकल किसी ना किसी तरीके से मौजूद है। और ख़ास बात यह है कि जितने भी अद्वियात हैं, जितने भी चीज़ें हैं, उन तमाम के अंदर आजकल हेट्रोसाइकल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और इसी वजह से इनकी है तो इनके जो तहकीकी रिसालों में जो आर्टिकल्स आ रहे हैं उसके अंदर ज़्यादातर हमारे ऐसे मरकबात हैं जिसमें गैर मुतजानिस हल्की मरकबात रखने वाले मरकबात मौजूद होते हैं और जिसके ऊपर एक बेहतरीन
इस्तेमाल उसका किया जाता है। हेट्रोसाइकिल की जो तालीफ है, जो प्रिपरेशन है और उसके एप्लीकेशंस है और दीगर जो खवास है, इन तमाम की वजह से, ये तमाम की वजह से बहुत अहमियत रख रहे हैं। और आजकल जो हेट्रोसाइकल्स है वो इंटरमीडिएट के तौर पर, यानी किसी एक रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट के तौर पर या ऑर्गेनो कैटेलिसिस के तौर पर भी इनका इस्तेमाल हो रहा है। तो फॉली ग्रुप यानी यहाँ पर प्रोटेक्शन करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। गैर तशक्ली यानी यहाँ पर जो हम कहेंगे कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस है और एसिमेट्रिक कैटेलिसिस है, इन तमाम के इस्तेमाल के लिए में भी इनका इस्तेमाल हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, मैं एक मिनट माजरत चाहता हूँ, अगर आप मैक्सिमाइज करें स्लाइड तो थोड़ा बेहतर होगा कि सर। क्या सर, इसे आप स्लाइड शो में कर लें अगर रखिए। अच्छा, ये थोड़ा सा और बेहतर स्लाइड शो पे नहीं है? नहीं है सर, अभी स्लाइड शो पर आ गए, अभी नहीं है सर। लेकिन उसके बावजूद सर, इसमें ऊपर का स्लाइड शो का ऑप्शन है सर, ऊपर ऊपर देखा जाए तो, ऊपर जो मेन्यू है में। सुभाष सर, ये वो ये ऊपर है ना सर? जी जी, यस यू कैन। तो ठीक है सर, प्लीज यस कंटिन्यू करते। नहीं सर, सर फ्रॉम बिगनिंग कर दीजिए, क्योंकि बिगनिंग है सर ये, फिर देन ओके ठीक है। सॉरी जी, अब आगे नहीं सर, अभी भी उसी तरह नजर आ रहा है। कौन सी फर्स्ट स्लाइड ही है? मकसद था कि नहीं, हम लोग आपकी चौथी स्लाइड देख पा रहे हैं। हम आपकी चौथी स्लाइड देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही है, स्ट्रक्चर्स और ये तमाम चीजें हैं, तो हम चाह रहे थे अगर मुनासिब हो। अब है तो कौन सी सुभाष सर, कोई इनपुट प्लीज। तारुफ वाली स्लाइड है? हाँ जी सर, अब आप बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ शुक्रिया सर, बहुत बहुत। हाँ, जैसे मैं आपको बता रहा, जैसे मैंने कहा है कि गैर मुतजानिस हल्की मरकबात यानी हेट्रोसाइकल की इफादियत और उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, और चूंकि ये बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल होती हैं, एज ए केमिकल इंटरमीडिएट के तौर पर इस्तेमाल होती है या फिर नामियाती तमाशी आमिल के तौर पर भी इनका इस्तेमाल होता है, फंक्शनल ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए, तफौली ग्रुप की हिफाजत के लिए, गैर तशक्ली यानी जिसको हम कहेंगे कि एसिमेट्रिक कैटेलिसिस के लिए, गैर तशक्ली मावेनिन के तौर पर भी इनका इस्तेमाल आजकल बढ़ गया है क्या। और इसके साथ साथ नामियाती मुरक्कबात में लिगेंड्स के तौर पर भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कॉम्प्लेक्सेस वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। लिहाजा इनकी जो इफादियत है, इनकी जो अहमियत है, ये बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसके ऊपर बहुत वर्क किया जा रहा है। और लिहाजा जो आजकल जो जितने भी रिसाले और रिसर्च जर्नल्स यहाँ पब्लिश होते हैं, उनमें तकरीबन 50% से ज़्यादा है तो ये मुरक्कबात उसमें इन्वॉल्व होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक मुरक्कबात जो हैं ये तैयार करने के लिए लोग तो अलग अलग तरीक़े और नई टेक्निक का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जदीद तरीक़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि तो हम ज़्यादा से ज़्यादा है तो यहाँ पर ये आसानी से, कम लागत से और ज़्यादा मकदार में, खालिस मकदार, खालिस तो मरकबात हम हासिल कर सके। लिहाजा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है और इसी वजह से जो रिसाले हैं इनके अंदर एक बड़ा हिस्सा इस पर मुश्तमिल है। हेट्रोसाइक्लिक मुरक्कबात
जैसे हम देख सकते हैं कि इनका इस्तेमाल मंशियात, रंगों, जरई केमिकल यानी एग्रीकल्चर में, कीड़े मारने में और दीगर चीज़ों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, और वक्त के साथ साथ और आबादी में इजाफे के साथ साथ इनकी जो मरकबात है, जो कंपाउंड्स है, इनकी जो अद्वियात है, इन तमाम की जो ज़रूरत है उनकी मकदार की ज़्यादा ज़रूरत है। लिहाजा ये सही अच्छे तरीके से ज़्यादा मकदार में किस तरह से कम वक्त में कम लागत में किस तरह से तैयार किया जा सके, ये इस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है। ये जो हेट्रोसाइक्लिक मरकबात हैं ये है तो एज मेडिसिन भी बहुत सारे इस्तेमाल होती हैं, जिनमें से एक तो एंटी माइक्रोबियल वगैरह हैं, एंटी फंगल है, जो फंगल यानी फफूंद से पनपने वाली बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है, सूजिश वगैरह के इस्तेमाल एंटीबायोटिक के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाता है, और वक्त के साथ साथ जो दवाइयां हैं उनके अंदर मज़ाहमत पैदा हो जाती है, तो लिहाजा नए मेडिसिन की हमको ज़रूरत होती है। इसलिए यहाँ पर अलग अलग मेडिसिन या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, इसलिए ज़्यादातर वर्क हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है, और इसी की वजह से जितने भी जनरल्स वगैरह है उसके अंदर इनका पब्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा है। ये कुछ मिसालें हैं यहाँ पर, जिसके अंदर हम यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग मौजूद है, जैसे यहाँ पर है, ये यहाँ पर हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, एट्रोएस्टेटिन के अंदर है, यहाँ पर भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। ये कुछ हमने एग्जांपल्स यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं जिसके अंदर यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक रिंग ये यहाँ पर मौजूद है। ये दिखाता है कि यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक रिंग वाले जितने भी मरकबात हैं, हेट्रोसाइक्लिक मॉइटी वाले जितने कंपाउंड्स हैं, ये तमाम ये किसी न किसी तरह से किसी न किसी बीमारी के लिए किसी न किसी इस्तेमाल के लिए ये इस्तेमाल हो रही हैं, और उनका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। ये कुछ क्लासेस दी गई हैं जिसके अंदर इनका इस्तेमाल है, जैसे बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस दी भी है कि कौन कौन सी बीमारी वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। ये तो एक सैंपल है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो यहाँ पर लिस्टेड नहीं है, लेकिन वो भी यहाँ पर हो सकते हैं। आजकल जो हमारे पास ट्रेंड चल रहा है जिसके अंदर बहुत सारे ये है, एक तो ये है कि अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल, बालासौती शुआओं का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, जो जिसकी मदद से हमें तो यहाँ पर उसको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर एक रिएक्शन होती है तो हम कम कर सकते हैं, प्रोडक्ट की जो प्यूरिटी है उसको हम बढ़ा सकते हैं, और आसानी से हमको रिएक्शन की जा सकती है। वन पॉट सिंथेसिस में भी एक ही बर्तन के अंदर हम ये रिएक्शन भी कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए दूसरी जो रिएक्शन यहाँ पर है, जिसमें हम यहाँ पर देख सक रहे हैं कि यहाँ पर आयनिक लिक्विड का इस्तेमाल, आयनिक मायात का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। इसका भी इस्तेमाल यहाँ पर यह है कि हमको यहाँ पर सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं, मोहलिल की ज़रूरत नहीं होती है या कम होती है, या हजार्डस जो मुजिर मोहलिल हैं इनका इस्तेमाल की यहाँ पर कम किया जा सकता है, तो इनकी मदद भी ली जा सकती है, जिसकी मदद से यहाँ पर हमारे जो हेट्रोसाइक्लिक है वो तैयार होते हैं। तो आजकल जो रिसर्च चल रहा है वो आयनिक लिक्विड के इस्तेमाल पर भी चल रहा है, उसके साथ साथ और जो तकनीक यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है वो यहाँ पर है। देखिए सॉलिड ठोस की सतह पर सॉलिड सपोर्टेड जो कैटालिसिस है उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है, ताकि तो यहाँ पर अलग अलग आसानी से हम तो हेट्रोसाइक्लिक मरकबात तैयार कर सके। ये कुछ मैंने यहाँ पर इनलिस्ट किए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, क्योंकि हमारे जो मरकबात है ये इसके अंदर यहाँ पर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कभी कभी हमको यहाँ पर इस्तेमाल करने पड़ते हैं एज ए मेडिसिन, लेकिन अगर हम उसमें से किसी तरह
किसी तरह से और किसी मकाम पर अगर क्लोरीन जौहर का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर एक हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो इफादियत है वो उसके अंदर उसकी जो कारकर्दगी है उसके अंदर इजाफा होता है। तो इसलिए फ्लोरिनेटेड मरकबात जो है ये दवा साजी में और एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी हैं। इसकी एक वजह ये तो है कि उसकी शहम पसंदी यानी लिपोफिलिसिटी ज़्यादा होती है, ये लिपिडसिटी को बढ़ाता है। और इसी के साथ साथ ये जो मरकबात होते हैं जिसमें फ्लोरिन मौजूद होता है तो एक फ्लोरिन जौहर की मौजूदगी से उसके उसकी जो कारकर्दगी है उसका जो असर है वो दूसरे बड़े गैर फ्लोरिनेटेड मरकबात से भी ज्यादा के बराबर या उससे ज्यादा हो जाता है। लिहाजा फ्लोरिनेटेड मरकबात के ऊपर भी आजकल बहुत ज्यादा वर्क हो रहा है। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं लेकिन क्योंकि इसके आसानी से और बहुत ज्यादा फवायद हैं इसलिए उसके ऊपर भी वर्क हो रहा है। इस तरह के मरकबात में कार्बन फ्लोरिन बंदिश मौजूद होती है जो कि सीएच बंदिश से ज्यादा मजबूत होती है और इसकी वजह से जो मरकबात की हयाती दस्तियाबी होती है बायोलॉजिकल जो उसकी अवेलेबिलिटी होती है और इसका जो हाफ लाइफ होती है मेडिसिन की वो है तो वो ज्यादा हो जाती है। और इस और चूंकि ये एक सीएफ बंदिश है तो एक खुद भी होती है पोलर बंदिश होती है जिसकी वजह से तो इनकी जो कीमियाई खवास के ऊपर इनके जो स्ट्रक्चर्स है इनके जो यूजेस है और इसकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और आमतौर पर ये जो है इसी तरह से अगर हम यहाँ पर फ्लोरीन के बजाय हम यहाँ पर सीएफटी ग्रुप अगर हम इस्तेमाल करें तो अद्वियात के अंदर और एक ज़्यादा है तो यहाँ पर चेंज आता है। जो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टेटिक तामूल को ये फ़रोग देता है और जो हमारे सेल होते हैं उस सेल की सेलुलर जो झिल्ली होती है उसको पायदारी को बेहतर बनाता है और इसके जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म है वो कि उसकी तरफ जो उसका रेजिस्टेंस है वो उसको बढ़ाकर ये इसके एप्लीकेशंस को इसकी इफादियत को इसके जो असर को है ये बढ़ाता है। इन तमाम की वजह से जो फ्लोरिनेटेड मरकबात है इनके ऊपर भी आजकल बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है और आज जो रिसर्च जर्नल्स है उनमें ज़्यादातर मरकबात में फ्लोरीन मौजूद होता है। मूत्रजनित हल्की मरकबात हैं हेट्रोसाइक्लिक मरकबात हैं इन तमाम की अहमियत जो है ये और इफादियत जो है बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। इनके इस्तेमाल तो उनकी जो बायो अवेलेबिलिटी वगैरह के ऊपर भी वर्क हो रहा है लिहाजा इसी तरह से जो उनकी प्रिपरेशंस के लिए उनके सिंथेसिस के लिए भी अलग अलग आसान और इको फ्रेंडली जो तरीके है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं जैसे माइक्रोवेव शुआओं का इस्तेमाल है अल्ट्रासाउंड यानी बालासौती शुआओं की मदद से तामुलात की जा रही हैं। सॉल्वेंट फ्री कंडीशन के अंदर भी तामुलात की जा सकती हैं जिसके अलग अलग ये हैं तरीके हैं। आयनी मायात जो है आयनिक लिक्विड्स का इस्तेमाल हो रहा है और इसके अलावा जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है और डीप यूएक्टिक मॉलिल वगैरह का इस्तेमाल और इथिलीन पीईजी का इस्तेमाल वगैरह करके भी यहाँ पर आजकल फ्लोरिनेटेड और गैर फ्लोरिनेटेड मरकबात की तैयारी की जा रही है। ये कुछ हमारे सामने एग्जाम्पल्स है जिसके या CF3 मौजूद है जो ये दिखाता है कि यहाँ पर ये अद्वियात के अंदर क्लोरीन की मौजूदगी से उसके काफी पॉजिटिव असर हमको यहाँ पर मिल रहा है देखने को मिलता है। अब फ्लोरिनेटेड जो मरकबात है इनके इस्तेमाल इनके जो तैयारी के तरीके इसके अंदर यहाँ पर अलग अलग सॉल्वेंट फ्री कंडीशन में भी है सॉल्वेंट फ्री कंडीशन में भी है उसके साथ साथ यहाँ पर दूसरे जो तरीके सॉलिड सपोर्टेड जो मेथड्स है उसका इस्तेमाल भी
यहाँ पर क्या आता है, वन पॉट सिंथेसिस जो एक टेक्निक है जिसके अंदर सॉल्वेंट वगैरह का इस्तेमाल कम हो जाता है, लिहाजा ये भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये यहाँ पर नीट मेथड जो कहा जाता है जिसके अंदर आयनिक लिक्विड्स का इस्तेमाल करके और जो ठोस तमाशियामिल के तो का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। तो इन तमाम को देखते हुए जो हमने जो वर्क इस स्कीम के ऊपर किया है, जो पहली हम यहाँ पर स्कीम हम यहाँ पर बता रहे हैं वो है टेट्राफ्लोरो सब्स्टिट्यूटेड 1,3,4 ऑक्साडायाजोल। ये स्कीम के ऊपर हमने काम किया है जिसके अंदर हमने टेट्राफ्लोरो बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल करते हुए पहले उसको हमने एक एस्टर में कन्वर्ट किया, फिर हाइड्रोजन हाइड्रेट के साथ उसकी रिएक्शन की है और उसके बाद में हमने उसको दो तरीकों से यहाँ पर, एक तो कन्वेंशनल मेथड है जो हम आमतौर पर हीटिंग की जाती है, हीटिंग करके मरकबात हासिल करने की कोशिश की है, उसी तरह से उसी को मेथड को हमने माइक्रोवेव के इस्तेमाल से भी हमने तैयार करने की कोशिश की है। ये इसके अंदर हम और ये पेपर हमारा यहाँ पर रशियन जनरल के अंदर यहाँ पर पब्लिश हुआ है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि माइक्रोवेव के अंदर और कन्वेंशनल मेथड के अंदर जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो किस तरह से हैं। यहाँ पर माइक्रोवेव के अंदर हमारे जितने भी रिएक्शंस है उनमें देखिए कि यहाँ पर 15 मिनट के अंदर ये तकरीबन हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जा रही है 15 मिनट के अंदर, जबकि यही हमको अगर हीटिंग करनी होती है तो ये यहाँ पर 6 आवर्स यानी 6 से 7 घंटे हमारे को यहाँ पे दरकार होते हैं। और अगर हम यहाँ पर रिजल्ट्स भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 91% हमारा यहाँ पे माइक्रोवेव से है, जबकि कन्वेंशनल मेथड्स की वजह से यहाँ पर 75% है, 75% ही यहाँ पर वहाँ पर उसकी प्रोडक्ट की है तो ईल्ड है, तो ईल्ड के अंदर भी यहाँ पर फर्क पड़ता है, टाइम भी हमारा यहाँ पर बच रहा है। तो इसलिए ये मेथड हमको ये लगता है कि यहाँ पर मेथड ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन इस मेथड के ड्रॉबैक भी है, चूँकि हम कम क्वांटिटी के पर लेबॉरेटरी में करते हैं इसलिए हम आसानी से कर भी सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको लार्ज स्केल के ऊपर लेकर जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह में है तो वहाँ पर है, तो इसके लिए एक नए टेक्निक की और उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की हमको ज़रूरत महसूस होगी। ये जो मरकबात हमने बनाए हैं इसका हमने तो NMR से हमने उसको इंटरप्रेट किया है, NMR से है तो उसको कंफर्म किया है। जैसे यहाँ पर हमारा जो पीक है वो यहाँ पर हमारा पीक एक एक्सेंट है जो ये बताता है कि NH2 ग्रुप जो है हमारा यहाँ पर एब्सेंट है, जो हमने स्टार्टिंग कंपाउंड में यहाँ पर लिया था NH2 ग्रुप वो ग्रुप यहाँ पर एब्सेंट है स्टार्टिंग कंपाउंड में। इसी तरह से यहाँ पर जो पीक्स हैं वो 7.53 के पर एरोमेटिक के हैं और इसी तरह से 8.14 पर है, 7.33 के ऊपर है, ये तमाम जो ये बताता है कि यहाँ पर एरोमेटिक प्रोटॉन्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये हमारे मुरकब को IR की मदद से भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रेचिंग है IR स्पेक्ट्रा की वो भी यहाँ पर हमारे 1172 के ऊपर 1549 के ऊपर है, जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए है और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के लिए 1675 पर है। मास स्पेक्ट्रा के अंदर यहाँ पर चूंकि मॉलिक्यूल का सालेमे का हमारा यहाँ पर जो वजन है सालेमी वजन है मॉलिक्यूलर वेट है वो हमारा 94 है स्पेक्ट्रम के अंदर, ये दिखाता है कि हमारा जो मरकब है उसके से ये मुशाबहत रखता है। इन मरकबात में से बहुत सारे हमारे चूंकि नए मरकबात हैं इसलिए हमने उनके अलग अलग बैक्टीरिया के खिलाफ या फंगस के खिलाफ हमने उसकी इफादियत और उसका इस्तेमाल किया है, उसके कारकर्दगी को देखा है और हम इस नतीजे जो हमारे एम्पिसिलिन से करीब करीब है तो उसकी है तो एक्टिविटी रखते हैं, जब उनकी जो कारकर्दगी है वो एम्पिसिलिन के करीब करीब है, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं
यहाँ पर 16 मरकबात। अब ये एक बात यहाँ पर नोट करने जैसी है कि हमारे जो मरकबात है इसके अंदर फ्लोरीन की वजह से जो सालेमे का जो ताकत है वो छोटी हो गई है, लेकिन उसकी कारकर्दगी हमारे एम्पिसिलिन के करीब करीब में है। मरकबात की मॉलिकुलर डॉकिंग भी की है, मॉलिकुलर डॉकिंग करने के बाद में हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इसमें से कुछ मरकबात जो है यहाँ पर ये एक मखसूस यहाँ पर बैक्टीरिया के खिलाफ ये फंजाई के खिलाफ है, तो हम यहाँ पर ये एम्पिसिलिन के बराबर ये मुतशाबियत रखते हैं, उनकी कारकर्दगी उनके बराबर है। इसी तरह से ये कुछ हमारी डायग्राम्स है, बाइंडिंग पोज है जिसके अंदर हमने अलग इसके जो की वगैरह की लॉकिंग सिस्टम हमने यहाँ पर दिखाया है। इसी तरह से मॉलिकुलर डॉकिंग की ये बाइंडिंग पोज है जिसके अंदर हमने इंट्रैक्शन दिखाया है एक हमारे मुरक्कब का। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं इसकी वजह से कि जो मरकबात हमने तैयार किए हैं, ऑक्सीडाइजोल्स हमने तैयार किए हैं, वो उनकी जो ईड है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर कन्वेंशनल मेथड के अंदर 6 से 7 घंटे के अंदर हम अगर देखें तो मिनिमम हमारा कम से कम 74% होती है, मैक्सिमम 81% तक हम पहुँच पाए हैं। लेकिन अगर हम इसी को हमने माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हुए किया है तो ये 15 मिनट के अंदर हमारी रिएक्शन पहुँची है और जिसमें हमारे जो उसकी ईड है वो हमारी 80% से 92% तक उसके अंदर इजाफा हुआ है, लिहाजा ये ज़्यादा ये है। इन तमाम मरकबात को यहाँ पर कंफर्म किया गया है, करेक्टराइज किया गया है HNMR का इस्तेमाल करते हुए, IR मास और C13 वगैरह का इस्तेमाल भी किया गया है जिसकी मदद से तो यहाँ पर कंपाउंड को कंफर्म किया है। ये पेपर हमारा यहाँ पर माइक्रोवेव असिस्टेड सिंथेसिस ये और मॉलिकुलर डॉकिंग ये हमारा पब्लिश हुआ है जो रशियन जर्नल ऑफ बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है, जो हमारा रिसेंट अभी पब्लिकेशन है। इसके बाद में हम दूसरा मेथड भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे जिसके अंदर यहाँ पर हमने सिंथेसिस किया है, कंपाउंड बनाया है, बेंजिलिडिन इंडाजोल सब्स्टिट्यूट है जिसके अंदर हमने ग्राइंडिंग का इस्तेमाल किया है, पीस कर हमने यहाँ पर किया है। अब इसका हमको इस मेथड का हमारा फ़ायदा ये है कि हमको यहाँ पर सॉल्वेंट जो है इसकी कम मकदार दरकार थी, एसिटिक एसिड के अंदर हमने ये रिएक्शन की है। और दूसरे ये है कि यहाँ पर ग्राइंडिंग करने के बाद 20 से 30 मिनट के अंदर यहाँ पर ये रिएक्शन हो जा रही है, रूम टेम्परेचर के ऊपर है और जो परसेंटेज यील्ड है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज है इसके अंदर। ये एग्जैक्ट स्कीम दी हुई है यहाँ पर कि हमने स्टार्ट किया है साइक्लोहेक्सेनॉन से और इसी से होते हुए यहाँ पर इस मकाम तक पहुँचे हैं। ये यहाँ पर हम तो ईल्ड देख सकते हैं कि अपन में यहाँ पर जो हमको एसिटिक एसिड की जो मकदार हमको यहाँ पर सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल की है वो 5 ml मैक्सिमम है। अलग अलग हमने पहले क्वान्टिटी ली है, 2 ml के ऊपर ली है, 3 ml के ऊपर ली है, 5 ml के ऊपर, इस तरह से हमने अलग अलग क्वान्टिटीज़ के ऊपर ली है और हम ये इस पर पहुंचे हैं कि 5 ml के हमारे लिए रिएक्शन के लिए ज़्यादा सूटेबल है, लिहाजा बाकी के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो तमाम है तो हमने 5 ml एसिटिक एसिड की का इस्तेमाल करते हुए हमने ये की है। और अलग अलग वक्फा हमने चेंज किया है, 14 मिनट के लिए भी हमने रिएक्ट उसको है तो ग्राइंड किया है, 19 मिनट तक किया है, 23, और इन तमाम से तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दिखाया गया है कि यहाँ पर 23 मिनट के लिए हमारे पास जो ईल्ड है वो 88% है और अगर हम उसको और 5 मिनट एक्स्ट्रा करते हैं तो हमारे पास ईल्ड जो है तो वो 1% से 1% से ही यहाँ पर एक उसमें इजाफा हुआ है। तो लिहाजा हमने ये डिसाइड किया है कि यहाँ पर 23 मिनट हमारा है तो ये रिएक्शन टाइम रहेगा ताकि तो टाइम की ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो तमाम रिएक्शंस को हमने 23 मिनट का ये वक्फा रखते हुए किया है। ये एसिटिक एसिड की है तो हमने यहाँ पर 5 ml 10 ml 15 ml क्वांटिटी भी लेकर हमने देखा है और ये देखा है कि कम क्वांटिटी के अंदर ये है तो यहाँ पर हमारे जो ईड है वो ज़्यादा है, 88% हमारे जबकि है तो एसिटिक एसिड की क्वान्टिटी बढ़ाने पर उसकी ईड हमारी कम यहाँ पर हासिल हुई है। ये पैरामीटर्स हैं इनके, ये दिखाता है कि यहाँ पर कितनी रिएक्शन के लिए कौन सी डेरिवेटिव के लिए यहाँ पर कितना वक्त दरकार हुआ
जैसे 23 मिनट यहाँ पर अगर हम यहाँ पर R और R1 और R2 ये अगर हम यहाँ पर लेते हैं हाइड्रोजन वाले सब्स्टिट्यूट मरकबात लेते हैं, तो ऐसी हालत के अंदर जो हमारे को रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड है वो 23 मिनट्स है और इसकी एड हमारे यहाँ पर 88% है। अब कहीं पर हमने ये नोट किया है कि थोड़ा ज़्यादा वक्त तक अगर उसको हम हीट कर ये करेंगे ग्राइंड करेंगे तो उससे हमारे एड में भी इजाफा हुआ है। ये पैरामीटर्स हैं, ये तमाम डेरिवेटिव्स हमारे हमने तैयार किए हैं जिनमें जिनको हमने HNMR से इस्तेमाल का इस्तेमाल करते हुए स्पेक्ट्रा का इस्तेमाल करते हुए कंफर्म किया है। ये जो स्पेक्ट्रास है ये हमने सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी जो है चंडीगढ़ वहाँ से हासिल किए हैं। ये C13 स्पेक्ट्रा है हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव कंपाउंड का जिसके अंदर है, तो ये हमारा मास स्पेक्ट्रम है और ये हमारा IR स्पेक्ट्रा है जिसके अंदर NH पीक जो है तो यहाँ पर दिखाता है कि हमारे कंपाउंड के अंदर मौजूद है। ये तमाम के ऊपर से जो है तो हमने ये कंक्लूजन पर पहुँचा है कि ये जो मेथड हमारा है ग्राइंडिंग का मेथड है ये बहुत हमारे लिए सूटेबल है और इसके अंदर हमारे जो कुछ फ़ायदे ये हैं कि हम तो सॉल्वेंट की मकदार कम कर पाए हैं, रिएक्शन टाइम भी हमारे को एक सूटेबल है कम है और यील्ड में भी हमारा इजाफा हुआ है। ये पेपर हमारा रिसर्च पेपर हमारा अभी और करंट ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर ही हमारा पब्लिश हुआ है इस डेटा को। इसके अलावा भी हम जो रिएक्शंस कर रहे हैं वो तमाम रिएक्शंस में माइक्रोवेव के साथ साथ अल्ट्रासाउंड वगैरह के इस्तेमाल भी है। फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स के ऊपर हम ज़्यादातर फोकस किए हुए हैं, फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स की जो इफादियत है जैसे हम पहले अर्ज कर चुके हैं। ये तमाम जो ये दिखाता है कि ये तो मरकबात हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इसकी हम एंटी बैक्टीरियल के एंटी माइक्रोबियल के एक्टिविटी के अलावा एंटी कैंसर और बाकी की दूसरी एनाल्जेसिक वगैरह एक्टिविटीज़ के ऊपर भी हमें तो फोकस किए हुए हैं और उसके रिजल्ट्स हैं। अभी ये जो हमने रिएक्शंस की है जैसे अभी हमने ग्राइंडिंग मेथड किया है, ये ग्राइंडिंग मेथड के अलावा हमने उसको अल्ट्रासाउंड के ऊपर भी रिएक्शंस की है जो और उसके साथ साथ माइक्रोवेव के ऊपर भी हमने रिएक्शंस करने की कोशिश की है और उसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव है और वो पेपर हमने तो कम्युनिकेट किया हुआ है भी रिसर्च जर्नल्स को। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, हमारे जो पब्लिकेशन और किसी तरह की जो क्यूरी है या किसी तरह का कुछ आपकी उसके अंदर मदद है या एक दूसरे के साथ हम किस तरह से तो कोलैबोरेटिव वर्क कर सकते हैं इस सिलसिले में है तो हम एक दूसरे से ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पर जो हम मैनेजमेंट है जो हमारे सलमान साहब है, कासिमुल्ला साहब है, इन तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपने डिस्कशन को यहाँ पर रोकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आरिफ पठान साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉक रहा आपने, फ्लोरिनेटेड नॉन फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स की बहुत ही डिटेल स्टडी बताई, इसकी अफादियत बताई और खुसूसन मुख्तलिफ ग्रीन पाथवेज जैसे आपने माइक्रोवेव असिस्टेड आयोनिक लिक्विड ग्राइंडिंग मेथड मुख्तलिफ बताया। आई एम श्योर काफ़ी फायदा होगा और मैं तमाम स्पेशली रिसर्च स्कॉलर से गुजारिश करता हूँ कि जैसे सर ने कंटेक्टिंग डिटेल्स दी हैं तो उनको अगर आप सर चाहें तो चैट बॉक्स में अगर रख दें तो बेहतर होगा, लोग कॉपी भी कर सकें और आई एम श्योर वक्त होता तो उस पर डिस्कशन होता क्योंकि वक्त की तंगी की वजह से हमें शायद इमीडिएट नेक्स्ट स्पीकर को शुरू करना पड़ेगा। नॉट श्योर कि क्वेश्चन हम ले पाए, अगर पूछो तो सर के सारे डिटेल्स मौजूद हैं, बिना झिझक सर से कॉन्टैक्ट करें। तो मैं इंशाल्लाह चेयर की इजाजत से चाहूंगा कि हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएं। तो शुक्रिया बहुत बहुत प्रोफेसर आरिफ पठान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नजमुल हसन हूँ, आप हमारी दावत कबूल की। प्रोग्राम मैं अब प्रोफेसर नजमुल हसन साहब कन्वीनियर है हमारे, सर से कुछ दरख्वास्त करता हूँ कुछ अल्फाज सर प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम हाजरीन, प्रोफेसर आरिफ खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी दावत कबूल की और बहुत अच्छा लेक्चर रहा। मैं खामोशी से सुन रहा था और ये बहुत ही हमारे स्टूडेंट्स को फ़ायदेमंद होगा। और आपका शुक्रिया जो आपने दावत दी कि ये लोग आपसे बाद में भी जुड़े रहे शुक्रिया बहुत बहुत। मैं भी आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे जो कॉन्टेक्ट है डिटेल्स है उसके ऊपर मैसेज भेजकर या फोन करके आप है तो एक कोलैबोरेटिव वर्क हम है तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है और कुछ फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल होंगी तो इस तरह से तो ये वर्क को और अच्छा और पायदार बना सकते हैं और कारामत बनाया जा सकता है। आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, कन्वीनर का, सलमान साहब का और फातिमुल्ला साहब का भी खास तौर पर, और तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो वर्क है कोलैबोरेटिव वर्क बहुत अच्छा आगे इंशाल्लाह आगे परवान चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के बारे में बताया, फ्लोरिनेटेड नॉन फ्लोरिनेटेड के बारे में बताया, उसकी इम्पोर्टेंस बताई, कैसे बताया कि मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन कैसे होता है, वन पॉट रिएक्शन कैसे हम कर सकते हैं, अपने आयनिक लिक्विड के बारे में भी बताया कि हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं और कैटालिसिस रिएक्शन कैसे कर सकते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए। तो इंशाल्लाह हम लोग फ्यूचर जरूर ये आपसे कोलैबोरेट भी करेंगे और आई होप कि हम लोग कुछ काम साथ में करके कुछ अच्छा पब्लिकेशन भी करेंगे और हमारी रिसर्च स्कॉलर भी इंशाल्लाह आपसे जो है कोलैबोरेशन की बात इंशाल्लाह करेंगे और हम लोग एक टीम बनाकर इंशाल्लाह इन फ्यूचर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपने हम लोगों को दिया है, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट, वक्त की कमी की वजह से वरना होता डिस्कशन, इंशाल्लाह हम फिर डिस्कस जरूर करें। तो मैं बिना किसी ताखीर के हमारे आज के स्ट्यूर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के सेशन का आगाज करना चाहता हूँ। हमारे पहले स्पीकर हैं मोहतरमा हुमा कौसर साहबा, जो प्रोफेसर अनीस अहमद साहब मेरे उस्ताद मोहतरम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रह चुके हैं, उनके लैब से ताल्लुक रखते हैं। तो मैं हुमा कौसर साहबा को दावत देता हूँ और मैं ज्यादा वक्त सारी चीजें रीड कर करके मैं गंवाना चाहता हूँ, बेहतर समझता हूँ कि आप आए और अपने वक्त अपने वर्क के बारे में बताएं। तो हुमा कौसर आपको दावत देता हूँ, प्लीज जाएं। और मैं दूसरे हजरात से गुजारिश करता हूँ कि अपना माइक म्यूट रखिएगा ताकि स्पीकर को कोई दिक्कत न हो। हुमा कौसर Are you there? हुमा कौसर आप सुन पा रहे हैं हमें? बात सर, am I audible? Yeah, yeah, you are audible. जी सर, क्या दिक्कत है सर? सुबह आपका माइक म्यूट है भाई, आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिएगा, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। हुमा कौसर आप बराए मेहरबानी अपना माइक अनम्यूट करिएगा, आपकी स्लाइड्स नजर आ रही है लेकिन आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं। सलाहुद्दीन साहब उनको फोन करके बोलिए। अच्छा भाई, या फिर हम आगे बढ़ते हैं? हाँ, या दूसरा लीजिए जी, उसको उनको बाद में करिए। मैं शायद कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से हुमा कौसर, मैं आपको इंशाल्लाह फिर एक स्पीकर के बाद टाइम दें ताकि आप अपना जो भी इश्यू है फिक्स करें। ये ऑन कर लिया है, माइक ऑन हो गया है सर, माइक कर दिया। ओके, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं?
यस सर जी सर, मेहरबानी बिना किसी ताखीर के आप शुरू करें जी। और मैं तमाम शुरका से गुजारिश करता हूं कि अपना माइक म्यूट रखें ताकि आवाज बेहतर आ सके प्लीज। जी सर, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल एंड रिस्पेक्टेड चेयरमैन एंड माय सेशन इंचार्ज एंड माय ऑल टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज हुमा कौसर, आई एम डूइंग पीएचडी फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। माय सुपरवाइजर प्रोफेसर अनीस अहमद एंड को सुपरवाइजर डॉक्टर शहाब अली असगर नाम। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग माय रिसर्च वर्क एंड द टाइटल इज सिंथेसाइज कैरेक्टराइजेशन एंड मेटल सेंसिंग एप्लीकेशन ऑफ बिस्मिथ मोलिब्डो सल्फो सैलिसाइलेट कैटायन एक्सचेंजर इनकॉर्पोरेटिंग पायरोल एंड मल्टीवोल्टिव कार्बन नैनो ट्यूब्स बेस्ड टर्नरी नैनो कंपोजिट। दिस इज माय एब्स्ट्रैक्ट। एक्चुअली मेरी थोड़ी उर्दू कमजोर है इसलिए थोड़ा उर्दू में बोलने में प्रॉब्लम होगी जी। मिक्स करके बोलिए हुमा, चीज में कंफर्टेबल है प्लीज आप अपने ओन अल्फाज इस्तेमाल करें और हमें बताएं कि प्रोजेक्ट क्या है, क्या आप करना चाह रही हैं और इसकी आसानी है। आप अपने ओन प्लीज। जी सर, ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट है जो मैंने प्रिपेयर किया है। ये टोटल ओवरव्यू है। सबसे पहले मैंने मल्टीवोल्ट सीएनटी लिया और उसे फंक्शनलाइज किया। देन उसके बाद मैंने हैवी मेटल्स कैटायन एक्सचेंजर बनाया और कोऑपरेटिंग किया मल्टीवोल्ट सीएनटी में। एंड फोर डोपिंग के लिए मैंने पायरोल लिया और फोर पॉलीपायरोल के लिए एक ऑक्सीडेंट यूज किया जो FeCl3 है। उसके बाद मुझे जो मिला वो टर्नरी नैनो कॉम्पोजिट मिला। उसके फॉर कैरेक्टराइजेशन के लिए मैंने कुछ टेक्निक्स यूज की जैसे FTIR, SAM, TAM एंड TGA और एंड TGXRD। उसके बाद मैंने उसका एप्लीकेशंस कराए जो कि हमारे हैवी मेटल डिटेक्शन के लिए बहुत बेनिफिशियल था। हम जानते हैं कि आजकल जो पॉल्यूशन है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है बर्ड्स के लिए और इसका सबसे बड़ा मेन रीजन जो है वो एक ह्यूमन है, क्योंकि उन्होंने ही कुछ गलत एक्टिविटीज करके पॉल्यूशन को बढ़ावा दिया है। पॉल्यूशन इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल इन द एनवायरनमेंट। दिस हार्मफुल मटेरियल आर कॉल्ड पोल्यूटेंट। Human society is continuously developing, advancing, and natural resources play a significant role in growth advancement. Natural or human-made emission can be regarded as pollution. Biological waste generated can also be termed as pollution since it has the potential to regenerate, but it does not affect the atmosphere much. In contrast, human-made pollution is highly detrimental to the environment. Now I come to नैनो कॉम्पोजिट, क्योंकि जो हम लोग ने बनाया है वो नैनो कॉम्पोजिट है, तो मैं थोड़ा सा नैनो कॉम्पोजिट के बारे में भी बताऊंगी। नैनो कॉम्पोजिट कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोर डिफरेंट मटीरियल दैट आर मिक्स टू अटेन द डिजायर प्रॉपर्टीज। नैनो कॉम्पोजिट मटीरियल विच वन ऑफ द कॉम्पोनेंट हैज एट लीस्ट वन डायमेंशन टू ऑर्डर ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर। जो जो मेरे रिसर्च पेपर में यूज हुए हैं कुछ चीजें वो उनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगी। जैसे मल्टीवोल्ट कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं। मल्टीवोल्ट कार्बन नैनो ट्यूब्स आर एसेंशियल फॉर पॉलीमेरिक कंपोजिट बिकॉज ऑफ इट रिमार्केबल यूनिक प्रॉपर्टीज लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज। मल्टीवोल्ट कार्बन नैनो ट्यूब बियर सम एक्साइटिंग स्टेप्स सच एज लाइट वेट, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वेरी हाई टेंसिटाइल यूज। दैट्स व्हाई मैंने मल्टीवोल्ट कार्बन नैनो ट्यूब को यूज किया और इट इज ऑल्सो चीपेस्ट। इस वजह से भी एक रीजन था कि मैं मल्टीवोल्ट कार्बन यूज किया। उसके बाद मैंने पायरोल यूज किया और पॉलीपायरोल बनाने के लिए मैंने एक ऑक्सीडेंट यूज किया FeCl3। क्यों पायरोल यूज किया? क्योंकि पायरोल यूज कंसिस्ट ऑफ लीनियर चेन, इजीली पॉलीमराइज हो सकता है। पॉलीपायरोल कैन बी सिंथेसाइज पायरोल मोनोमर,
huge portion is heteroatom nitrogen consists of 5 member ring stack at N1 position. नैनो कॉम्पोजिट जो पॉलीमेरिक बेस्ड मेटल नैनो कॉम्पोजिट क्यों हम लोग ने बनाया है, क्या रीजन था बनाने का, बिकॉज इट इज अ हैवी मेटल डिटेक्शन यूज फॉर वाटर पोल्यूशन, बिकॉज हैवी मेटल प्रॉब्लम इज अ बिगेस्ट इशूज नाउडेज, दैट्स व्हाई आज इसलिए हमने एक पॉलीमेरिक बेस्ड नैनो कॉम्पोजिट बनाया ताकि हम लोग इसे हैवी मेटल डिटेक्शन के लिए यूज कर सकें. Polymeric based metal nanocomposite important role in detection of heavy metals. Polypyrrole with carbon nanotube composite is used to remove heavy metal from aqueous solution and clarify for heavy metal sensing due to the conducting polymer affinity. Their composite can be used to eliminate heavy metals from polluted water. Nitrogen atom bearing a lone pair of electron complex with heavy metal ion is found to waste water. Main reason nitrogen ke jo pyrrole hai uske lone pair hote hain jo heavy metal se connected hote hain, complex banate hain, then hum heavy metals remove kar lete hain. मेरे ये मेरे पेपर का रिजल्ट एंड डिस्कशंस है जो हमारे जो मुझे डेटा मिला था. फिजियोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ टर्नरी नैनो कॉम्पोजिट एक्सआरडी ग्राफ है. ब्लैक कर्व इंडिकेट करता है विदाउट सीएनटी बाइनरी नैनो कॉम्पोजिट. रेड कर्व इंडिकेट वेरियस मल्टीवोल्ट कार्बन नैनो ट्यूब और रेड ब्लू कर्व इंडिकेट करता है डबल मल्टीवोल्ट कार्बन नैनो ट्यूब की. मैंने इसमें डबल कंसंट्रेशन करी तो इस तरीके से हमने तीन इसमें कॉम्पोजिट बनाए, एक विदाउट सीएनटी और दो एक में हमने 0.1 मल्टीवोल्ट कार्बन नैनो ट्यूब यूज किए और दूसरे में हमने उसका रेशियो डबल किया. उसके बाद हमने इन तीनों का डिफरेंस देखा कि हमारे में क्या क्या डिफरेंस आया, क्या 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 वेरियस था. सेम एज एफटीआईआर ग्राफ है. ब्लैक कर्व विदाउट सीएनटी है एंड रेड कर्व शो इंडिकेट 0.1 मल्टीवोल्ट कार्बन नैनो ट्यूब से और ब्लू कर्व इंडिकेट डबल रेशियो हमने मल्टीवोल्ट कार्बन नैनो ट्यूब का यूज किया है. इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हम डबल रेशियो ले रहे हैं मल्टीवोल्ट कार्बन नैनो ट्यूब का तो हमारा जो ग्राफ की जो पीक है ज्यादा शार्प आती है और इसमें जो हमारा OH बॉन्डिंग थी जो हमारे OH था फंक्शन ग्रुप वो उसमें रिमूव होता नजर आ रहा है. दिस इज अवर TGA ग्राफ. सेम एज TGA ग्राफ ऑल्सो इंडिकेट दिस इज अ टाइम इमेज ए बी सी ए विदाउट सीएनटी BNC with CNT, various form of multivolt carbon nanotube. This is also SAM image, A without CNT or B or C with CN, various form of CNT. This is our application, psychovoltammetry. First A graph voltagram we show is whole compound but तीनों की form है without CNT and 0.1 multivolt CNT and double ratio or 0.2 multivolt CNT लेकिन but B is without CNT and C voltagram show with CNT or D double ratio multivolt carbon नैनो ट्यूब. हम लोग देख सकते हैं कि जैसे तीनों में तीनों की फॉर्म में कितना कितना डिफरेंस आया हुआ है. दिस इज लास्ट फाइनल कंक्लूजन. द सिंथेसाइज ऑफ बिस्मिथ नैनो कॉम्पोजिट विद मल्टीवोल्ट कार्बन नैनो ट्यूब पॉलीपायरोल एंड आयन एक्सचेंजर बिस्मिथ क्लोराइड थ्रू सोल जेल मेथड रेस्पेक्टिवली. सैम and TAM image of multivolt carbon our ternary compound and nanocomposite exhibit granule morphology having average particle size of 10 to 12 nm. Bismuth nanocomposite were synthesized for sensing application of lead using cyclovoltammetry is found to be concentration dependent. This is a reference. Thank you, Shukriya. Allah. Any question?
जी हमार सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर हम एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं, अगर आप में से किसी पार्टिसिपेंट्स को कुछ क्वेश्चन करनी हो तो आप क्वेश्चन हुमा का से कर सकते हैं। Now the session is open for the question answer session. I would appreciate if anyone of you could ask a question from Huma Kaushal. Thank you, sir. If that's the case, अगर कोई question ना हो तो बिना ताखीर के हम अपने अगले presentation की तरफ जाते हैं। मैं दावत देता हूं हमारा इस सेशन का दूसरा प्रेजेंटेशन डॉक्टर मोहम्मद यूनुस वानी साहब जद्दा यूनिवर्सिटी से तशरीफ लाएं। तो मैं उन्हें दावत देता हूं कि वो आएं और अपना मकाला पेश करें। वक्त होता है तो मैं बाकायदा आप सबका तारुफ दे सकता, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं नहीं दे पा रहा हूँ, जिससे माजरत चाहता हूँ। यूसुफ वानी साहब जद्दा यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं और आज नावल ट्रायाजोल डेरिवेटिव्स पर उसकी सिंथेसिस और उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस पर बात करेंगे। तो यूसुफ वानी साहब, डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं मोहम्मद यूनुस वानी हूँ, जिद्दा यूनिवर्सिटी में मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। PhD मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली से किए हैं, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा में एज FCT पोस्ट डॉक 2013 से 16 तक काम किया। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास UT हेल्थ ह्यूस्टन में 2016 से 2017 तक काम किया। उसके बाद 2018 से आज तक मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ जिद्दा में काम कर रहा हूँ। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर सलमान का और बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेम्बर्स हैं, चेयरमैन हैं, फॉर गिविंग मी दिस amazing opportunity to share my research work. ये जो आज का टॉपिक है मेरा, ये जो हम काम कर रहे हैं, एक्चुअली ये हम कर रहे हैं एंटीमाइक्रोबियल और एंटी कैंसर ड्रग डेवलपमेंट पे। आज जो मैंने टॉपिक चुना है ये जो Yeah, please. Is that okay? You still didn't get it. Is that okay or not? You can continue. I think you can continue because I'm not sure about others, but for me it could have been much better if you could have increased the size. I'm not able to do that. Yeah. That's okay, sir. Please continue. Is that okay? All right. So thank you. तो जो हमारा काम जो है, am I audible? आप सुन पा रहे हैं? Yes. You're audible. Okay. Thank you. जो हमारा काम है वो antimicrobial drug development पे, targeted drug therapy और anti-cancer drug development पे। जो आज का टॉपिक है वो हमने मैंने चुना है कैंडिडा एल्बिकम्स, जो एक स्पीशीज है फंगल इन्फेक्शन जो काज करती है। तो इस पे हमने जो है जो ड्रग्स डिज़ाइन किए हैं उस पे हम बात करेंगे। आप सब जानते होंगे फंगल इन्फेक्शन जो है ये दे अफेक्ट मोर देन 1 billion पीपल ईच ईयर एंड 150 million सीवियर केसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन ऑफ द वर्ल्ड वाइड एंड इट लीड्स टू अबाउट 1.7 million डेथ्स पर ईयर। सो इट्स रियली अलार्मिंग बिकॉज द ड्रग्स दैट आर अवेलेबल, जो भी हमारे पास दवाई है वो ड्रग रेजिस्टेंस और डिफरेंट मैकेनिज्म जो भी फंजाई प्रोवाइड करता है, तो ये ड्रग्स जो हैं ये इफेक्टिव नहीं है। इसलिए जो हम रिसर्च कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड न्यू मॉलिक्यूल्स जो बेटर दैट कैन शो बेटर एफिकेसी देन द करंटली अवेलेबल मेडिकेशन। जो ये फंगल डिजीज़ होती हैं ये होती कैसे हैं, व्हाट आर द काजेज दे आर वेरी वेल नोन। एक अगर आप अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं आपके, या अनहाइजीनिक इसमें रह रहे हैं आप, और यू स्वेट अ लॉट, यू डोंट चेंज योर क्लोथ्स एंड ऑल, इट लीड्स टू फंगल इन्फेक्शंस बिकॉज दे आर अपॉर्चुनिस्टिक।
ये मौका ढूंढते हैं और फिर इन्फेक्शन करते हैं. और एक जो अहम चीज़ जो है वो है, अगर इफ़ यू हैव यू आर हैविंग एनी अंडरलाइन डिजीज़ फॉर एग्जांपल एचआईवी डायबिटीज़ एंड ऑल, तो उसमें ये ज़्यादा अटैक करते हैं. कॉमन जो फंजे हैं जो डिजीज़ करते हैं उसमें हैं लाइक कैंडिडा, उसमें एस्पर्जिलस हैं. कैंडिडा की बहुत सारी यू नो स्ट्रेन्स आपको मिलेंगे, बहुत सारी लाइक कैंडिडा एल्बिकम्स हैं, कैंडिडा ऑरियस एंड कैंडिडा क्रोजी एंड देर आर सो मेनी. लेकिन कैंडिडा एल्बिकम्स जो हैं इट्स यू नो रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस. जितने भी इन्फेक्शंस आप जब मरीज हॉस्पिटल में जाता है, अगर हॉस्पिटल क्लीन नहीं है, वहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं और वहाँ पे उसको ये इन्फेक्शन लगने का खतरा होता है. ये ग्लोबल बर्डन है, आप देख सकते हैं कितने जितने भी फंगल इन्फेक्शंस हैं. अगर कोई बीमार ऑलरेडी है, फॉर एग्जाम्पल समवन हैज अंडरगॉन ए सर्जरी, उसके बाद उसको इन्फेक्शन लग जाता है. अबाउट 1.3 मिलियन सिर्फ ओरल जो है फंगल इन्फेक्शंस होते हैं और ईयर. और डिफरेंट फंजे फॉर एग्जांपल एस्पर्जिलस कैंडिडा ग्लैबरेटा क्रोसी 47% इज एस्पर्जिलस एंड रेस्ट ऑफ ऑल द फंगल इन्फेक्शंस आर बिकॉज ऑफ कैंडिडा एंड अदर फंजे. जो हमारे पास दवाई अभी अवेलेबल हैं उसमें हमारे पास एजोल्स हैं. यू नो एजोल मीन्स एक रिंग स्ट्रक्चर है, हेटेरो एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर है इस दवाई में. वो हेटेरो एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर जिसको हम एजोल कहते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं एजोल ड्रग्स. हमारे पास इकैनोकैंडिन्स हैं, लाइलेमाइंस हैं, पॉलीन्स हैं, बट मोस्टली जो फ्रंट लाइन ड्रग्स अवेलेबल है अभी वो है यही इमिडाजोल्स एंड ट्राइजोल्स. लाइक आपने सुना भी होगा ट्राइजोल्स में फ्लुकोनाजोल, एट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल. जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो फ्लुकोनाजोल लिखते हैं या जो थर्ड जनरेशन ड्रग्स अवेलेबल है. ये टाइमलाइन जो ड्रग्स जो सिंथेसिस डिस्कवरी ऑफ दीज एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स एंड एवोल्यूशन ऑफ रेजिस्टेंस. पहला जो एंटीबायोटिक पेंसिलिन 1928 में डिस्कवर हुआ था, उसके बाद एक गोल्डन पीरियड था 1940s से 1950s तक जिसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुए. उसके बाद अभी जो प्रेजेंटली हम हैं 1970s 1990s तक भी जो मोस्ट ऑफ द एंटीफंगल्स जो है वो डिस्कवर हुए. उसके बाद 2000 से लेकर आज तक हम एक फिर से एक डार्क एज में हैं बिकॉज नो न्यू यू नो एंटीबायोटिक हैज बीन डिस्कवर्ड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. ये डिफरेंट ये जो जितने भी दवाई हैं अवेलेबल हैं ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये कैसे काम करते हैं. कुछ इनमें से फॉर एग्जांपल एजोल्स एम्फोटेरिसिन बी जो पॉलीन है इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अटैक करते हैं, कुछ सेल वॉल को अटैक करते हैं, कुछ डीएनए आरएनए बायोसिंथेसिस को रोकते हैं, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया पे अफेक्ट करते हैं. तो ये इनका मैकेनिज्म है. और जो हमारा जो इम्पॉर्टेंट है जो जो कि एजोल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये एक्चुअली जो ऑर्गोस्ट्रॉल है ये एक जो मेम्ब्रेन बनाने के काम आता है. लैनोस्ट्रॉल एक एंजाइम है वो ऑर्गोस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में बहुत मदद करती है और उससे फिर जो मेम्ब्रेन फंजे का बनता है. ये जो ड्रग्स हैं वो इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, इसी एंजाइम को ऑर्गोस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस करने ही नहीं देते हैं. जब वो बायोसिंथेसिस ही नहीं होता है तो मेम्ब्रेन नहीं बन पाता है और ये फंजे मर जाते हैं. जब इस जब मेम्ब्रेन ही नहीं बन पाया तो फंजे यू नो दे डाई. लेकिन बदकिस्मती से जब हमने यू नो जो मिसयूज ओवर यूज एंड अब्यूज ऑफ दीज ड्रग्स और क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव्स भी नहीं है और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं इसमें ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं सो और आई थिंक लैक ऑफ नॉलेज भी है. हम खुद भी जो है एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं विदाउट नॉलेज. कभी इन्फेक्शन हुआ तो हमने एंटीबायोटिक ले लिया. व्हाट इट लीड्स टू इज ड्रग रेजिस्टेंस. मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. एक फंजे के पास या एक बैक्टीरिया जो भी आप लें इनके पास मैकेनिज्म होते हैं कि अपने आप को बचाना चाहते हैं. तो देयर आर थ्री बेसिक रेजिस्टेंस मैकेनिज्म जिनको हम कहते हैं. इनके पास इफ्लक्स पंप्स होते हैं. इफ्लक्स पंप्स क्या होता है, आप दवाई दे दी आपने फंजे के पास अंदर जब ये गई तो इसके पास पंप्स होते हैं, इसको बाहर फेंक देता है. इनको कहते हैं इफ्लक्स पंप्स. और ये अपने ड्रग टारगेट जिसको ये ड्रग टारगेट करता है फॉर एग्जाम्पल सर्टेन एंजाइम ये उसी को मॉडिफाई करते हैं, ये ऑल्टर करते हैं उस यू नो टारगेट को. एंड देयर आर सर्टेन अदर मेटाबॉलिक बाईपासेस. सो दिस ड्रग रेजिस्टेंस मैकेनिज्म इज अ मेजर कंसर्न. तो हमारे पास अब क्या है, व्हाट कैन वी डू नाउ.
हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट टारगेट्स यू नो सर्च कर सकते हैं, या जो क्लासिकल हमारे पास ड्रग्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनकी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं. और हमारे पास और भी यू नो तरीके हैं. फॉर एग्जांपल हम वैक्सीन डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं, एंटीफंगल पेप्टाइड्स पे काम कर सकते हैं. ड्रग रिपर्पजिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, यानी कि हमारे पास जितने भी ड्रग्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं बाकी डिजीज के लिए, हम उनको रिपर्पज कर सकते हैं. हम उन्हीं ड्रग्स को देखें कि उनमें से अगर कोई एंटीफंगल हो, एंटीमाइक्रोबियल, जैसे कि अभी कोविड में हुआ था, बहुत सारे जो HIV ये एंटीवायरल ड्रग्स थे उनको देखा गया. दैट्स कॉल्ड ड्रग रिपर्पजिंग या रैशनल डिजाइनिंग बाई यू नो द असिस्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स की असिस्टेंस से, बिकॉज वी हैव डिफरेंट यू नो सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल, डिफरेंट टूल्स अवेलेबल, जिससे हम देख सकते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल है जो हमने यू नो डिज़ाइन किया है वो कैसे इंटरेक्ट करता है एक एंजाइम के साथ, जो कि इंडिस्पेंसिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द माइक्रोब या जो भी सेल है. इस काम में हमने क्या किया है, व्हाट इज दिस वर्क अबाउट. इसमें जो चैलेंज हमारे पास हैं, चैलेंज यही है कि एजोल्स जो है ये बहुत ही वाइडली यूज्ड एंटीफंगल ड्रग्स हैं, लेकिन इनके खिलाफ जो है रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है. तो हमारे पास स्ट्रेटजी क्या है, हमारे पास इस वर्क में जो स्ट्रेटजी थी, हमने जो ऑलरेडी अवेलेबल जो आजमूदा शुदा जिसको कहते हैं परहैप्स यू नो टाइम टेस्टेड मॉलिक्यूल्स जो एजोल्स हैं, उन्हीं की स्ट्रक्चर को हमने मॉडिफाई किया. स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन से क्या होता है, स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन से फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं एक मॉलिक्यूल की, जब वो एक या वो उसकी मेटाबॉलिज्म एलिमिनेशन या बाकी जो हैं उसके पैरामीटर्स चेंज होके, या फंजे या बैक्टीरिया या जो भी सेल है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती हैं. तो रेजिस्टेंस डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है. ऑल्दो दिस इज़ नॉट ए वायबल सोल्यूशन, सोल्यूशन यही है कि हम एक नया मॉलिक्यूल, नया ड्रग लाएं विद अ डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. और इवन ये सोल्यूशन है कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल लाएं जिसको जिसके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप ही ना हो. उस पर भी हमने काम किया, जैसे कोरम सेंसिंग है, हम उस मैकेनिज्म को टारगेट करें यू नो जो इंडिस्पेंसिबल नहीं है फंजे सर्वाइवल के लिए, जैसे बैक्टीरियल टॉकिंग जिसको हम कॉर्न सेंसिंग कहते हैं, हम वैसे मॉलिक्यूल बनाए. खैर बहरहाल इस काम में हमने जो है ट्राइजोल रिंग को इसको मॉडिफाई किया है मॉलिक्यूल्स को, जिसमें ट्राइजोल रिंग है लेकिन फ्लैंक्ड बाय सम अदर हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स. तो क्या किया हमने, हमने पहले मॉलिक्यूल्स बनाए हैं ट्राइजोल्स बाय क्लिक केमिस्ट्री अप्रोच विद द ग्रीन केमिस्ट्री अप्रोच. उसके बाद इन सिलिको स्टडीज़ में हमने मॉलिक्यूलर डॉकिंग स्टडीज़ करी हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स हमने चेक किए हैं, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स, पोस्ट डायनामिक्स, बाइंडिंग फ्री एनर्जी कैलकुलेशंस. उसके बाद हमने बायोलॉजिकल स्टडीज़ में एंटीफंगल ससेप्टेबिलिटी, वी चेक्ड यू नो द एफिकेसी ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स ऑन ससेप्टेबल एंड रेजिस्टेंट फंजाई. उसके बाद हमने अर्गोस्ट्रॉल जो भी जो इम्पॉर्टेंट एंजाइम ये है मॉलिक्यूल है, इसकी बायोसेंसिस को चेक किया कि ये रोक रहा है या नहीं. और उसके बाद जीन एक्सप्रेशन जो इंडिस्पेंसिबल है इस सिंथेसिस बायोसिंथेसिस अर्गोस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, उसको भी चेक किया. ये जो हमने मॉलिक्यूल्स डिज़ाइन किए हैं ट्राइजोल्स, ये ऑलरेडी हमने कैंडिडा ऑरियस पे चेक किए थे, तो दिस आर ऑलरेडी पब्लिश्ड इन जर्नल ऑफ एडवांस रिसर्च. इफ़ यू वांट टू चेक दिस पेपर यू कैन गो ऑनलाइन, दिस इज जर्नल ऑफ एडवांस रिसर्च एल्सवेयर. इम्पैक्ट फैक्टर इज अराउंड 7. इन्हीं इसमें से हमने 6 मॉलिक्यूल्स डिज़ाइन किए थे और 6 में से 3 हमने देखे कि दे वर यू नो वेरी गुड, दे शुड एक्साइटिंग रिजल्ट्स. इसलिए हमने उन्हीं 3 मॉलिक्यूल्स को यू नो इन सिलिको एंड इन विट्रो स्टडीज़ के लिए फर्दर कैंडिडा एल्बिकन्स पे ट्राई किया. ये इन सिलिको स्टडीज़ में डॉकिंग हमने की, डॉकिंग से जो इंट्रैक्शन एक मॉलिक्यूल का एक एंजाइम के साथ वो पता चलता है कि एक मॉलिक्यूल जो आप एक ड्रग जो आप दे रहे हैं जब वो फंजे के इनसाइड अंदर जाए तो वहाँ पे एक एंजाइम जो फॉर एग्जांपल अल्फा 14 अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम जो भी जो अर्गोस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में मदद करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है. जब ये मॉलिक्यूल अंदर जाता है फंजे के अंदर तो ये इस एंजाइम के साथ इंट्रैक्ट करता है, इसको इनहिबिट करता है, इट डजंट अलाउ दिस एंजाइम टू यू नो टू कैरी आउट इट्स वर्क. तो ये 3 मॉलिक्यूल्स हमने डॉक किए, हमने देखा कि ये इट इंट्रैक्ट्स विद दिस अर्गोस्ट्रॉल, दिस 14 यू नो जिसको हम LDMB कहते हैं,
इसके साथ बहुत अच्छी तरह इंटरेक्ट करता है. इट शोड अ नंबर ऑफ यू नो although the figure is not very clear, लेकिन it showed a number of interactions, hydrophobic interactions, van der Waals interactions, pi-pi stacking interactions, hydrogen bonding. जो first structure A है ये fluconazole है जो already drug available है market में. इससे बेहतर जो है ये जो molecules हैं वो interaction दिखाते हैं इस enzyme के साथ, क्योंकि mechanism of action दोनों का same है, both are azoles, so their mechanism of action is almost similar. ये पोस्ट डायनेमिक ट्रेजेक्ट्रीज कैसे एक मॉलिक्यूल एंजाइम के करीब जाता है और उसके बाद उसके साथ जो है कैसे ये इंट्रैक्ट करता है. दीज आर सम फिगर्स दैट शो द इंट्रैक्शन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स. दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस. ये हमने देखा कि किस तरह से ये मॉलिक्यूल हमारे हैं ये एंजाइम के अंदर जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस शो करते हैं. उसके बाद बाइंडिंग फ्री एनर्जी जो है डिफरेंट फिजिको केमिकल पैरामीटर्स हमने चेक किए. हमने देखा कि जो फ्लुकोनाज़ोल ड्रग है उससे काफ़ी बेहतर जो है ये इंट्रैक्शन दिखा रहा है इस एंजाइम के साथ. उसके बाद हमने बायोलॉजिकल स्टडीज में इसकी एमआईसी चेक करी. एमआईसी में हमने स्ट्रेनली ससेप्टेबल यू नो एक दो ससेप्टेबल और एक रेजिस्टेंट स्ट्रेन ली. तो हमने देखा फ्लुकोनाज़ोल की जो एमआईसी 64 माइक्रोग्राम्स पर मिल फॉर रेजिस्टेंट स्पीशीज है स्ट्रेन है, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है खासकर PTA1 इसका 0.390 यू नो इट्स ऑलमोस्ट 20-fold यू नो लेस देन दैट ऑफ फ्लुकोनाज़ोल. सो जो रेजिस्टेंट कैंडिडा एल्बिकन्स हैं दैट्स नॉट रेजिस्टेंट टू दिस मॉलिक्यूल ऑल्दो इट्स रेजिस्टेंट टू फ्लुकोनाज़ोल. दिस इज ये एर्गोस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस जो उसका ऐसे हमने किया हुआ है. ये फिगर दिखा रहे हैं कि ये एर्गोस्ट्रॉल लेवल्स को काफी यस प्लीज का थोड़ा समय आपको. All right, this is the last slide. So ergosterol synthesis को ये it inhibits this ergosterol biosynthesis और gene expression जो ERG1 gene है इस expression को भी ये down regulate करता है. So in conclusion, you know, इससे हमें पता चला कि ये molecule जो है they interact very well with the LDM enzyme. They down regulate the expression of ERG you know 11 gene. Inhibit the ergosterol biosynthesis. और पिछली जो हमने लास्ट स्टडीज में हमने देखा कि ये मॉलिक्यूल जो है एपोप्टोसिस और सेल साइकिल अरेस्ट भी करते हैं. सो दीज कंपाउंड्स आर यू नो दे हैव द पोटेंशियल टू बी यू नो डेवलप्ड एज नोवल एंटीफंगल ड्रग्स विद मल्टीपल मोड्स ऑफ एक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका एक ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है. देर आर मल्टीपल मोड्स ऑफ एक्शन. सो इससे भी जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप होने में टाइम लगता है. सो दिस कुड प्ले अ रोल इन मिनिमाइजिंग ड्रग रेजिस्टेंस इन फंगल पैथोजेंस. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वर्क. I thank you. Future work will go for in vivo studies and future prospects. अभी हम third generation पे हैं, उसके बाद oral formulations for future nanoparticles, polysaccharide conjugation and all. And we have two drugs in clinical trials. I acknowledge Department of Chemistry, University of Jeddah, the Deanship of Scientific Research, and my collaborator Dr. Ejaz from Witwatersrand, Johannesburg, South Africa. And I thank you all for your patience. If you have any questions, please go ahead. शुक्रिया डॉक्टर वानिक साहब. वेरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी सर. या थैंक यू सो मच. वी विश इफ यू कुड शेयर सम ऑफ योर कांटेक्ट डिटेल्स मे बी पीपल कैन आस्क क्वेश्चंस बिकॉज़ श्योर इतना वक्त तो नहीं रहा क्योंकि बाकी बात है, लेकिन एक बात कह दूं कि बहुत ही बेहतरीन टॉक और इट्स नॉट इजी टू टारगेट. Thank you so much. I tried my best. My Urdu is not very good, but still I tried my best. No. I will share my contact details if anybody is interested to collaborate or need any help, any sort of help, you know, I'm always ready. I thank you. I thank Dr. Salman. You can get my details from Dr. Salman also. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you so much. This conference ka maqsad ye hai ki hum tamam मुख्तलिफ ब्रांचेस से मुख्तलिफ मतलब अप्रोच से अगले लेक्चर की तरफ बढ़ता हूँ. सेशन का तीसरा लेक्चर जो हमारे ही डिपार्टमेंट मानो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की जानिब से है माहिद फातिमा जो डॉक्टर कासिमुल्ला साहब की स्टूडेंट भी हैं और ये इन कोलेबरेशन विद मंजुलता प्रोफेसर मंजुलता उस्मानिया यूनिवर्सिटी के साथ काम करती हैं. तो मैं दावत देता हूं नाहिद फातिमा को आए और अपना मखाला पेश करें और ये कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से केम इन्फॉर्मेटिक्स को
ड्रग डिस्कवरी के लिए इफेक्टिवली यूज किया जाए. प्लीज नाहिद फातिमा. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. थोड़ा सा आवाज आपकी जी और स्लाइड शेयर करना शुरू करें अगर आप हो बिना ताखीर. नहीं फातिमा सुन पा रही हैं आप? जी सर. क्या मैं स्लाइड दिख रहा है सर? प्लीज प्लीज. हाँ दिख रहा है. हाँ मैं जिस टॉपिक पर काम कर रही हूँ वो 5-HT रिसेप्टर्स है, 5-हाइड्रोक्सिन ट्रिप्टामाइन रिसेप्टर्स. सर एम आई ऑडिबल? जी 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 प्लीज. तो आउट ऑफ 7 5-हाइड्रोक्सिन ट्रिप्टामाइन्स मैंने 5-HT7 पे ऑलरेडी काम किया हुआ है, वो उसके कम्युनिकेशन चल रही है. ये दूसरा काम है मेरा 5-HT1A रिसेप्टर्स जो कि मेरा टॉपिक है फार्माकोफोर पर मवनी वर्चुअल स्क्रीनिंग सालमती डॉकिंग और बाइंडिंग फ्री एनर्जी तजुर्बे के जरिया 5-HT1A के नए रिसेप्टर्स की दरियाफ्त और डिजाइन. ये मेरा काम है. इसको मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, डिस्कवरी एंड डिजाइन ऑफ अ न्यू 5-HT1A रिसेप्टर्स थ्रू फार्माकोफोर बेस्ड वर्चुअल स्क्रीनिंग मॉलिक्यूलर डॉकिंग एंड बाइंडिंग फ्री एनर्जी एनालिसिस. इसमें हम लोगों ने 5-HT1A रिसेप्टर्स के मुताबिक 80 कंपाउंड लिया है, 80 मॉलिक्यूल्स लिया था. इस मॉलिक्यूल्स को हमने डॉक किया, उसके बेसिस पे हमने एक फार्माकोफोर मॉडल डिजाइन किया और वो फार्माकोफोर मॉडल से हमने की मदद से हमने डाटाबेस रन किया, ओटावा और एसिनिक्स डाटाबेस रन किया और हमने कुछ मॉलिक्यूल्स डिजाइन किए जो कि जिनमें से हमने कुछ मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग एनर्जी कम पाई है और वो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा इनहिबिट कर सकते हैं अगेंस्ट 5-HT1A रिसेप्टर्स. सबसे पहले मैं थोड़ा बताना चाहूंगी कि डिप्रेशन क्यों होता है. अफसरदगी किसे कहते हैं? अफसरदगी ऐसी जहनी बीमारी है जिसकी अलामत एक शख्स के ख्यालात उसके बिहेवियर पे चेंजेस लाता है, वो खुदकुशी की तरफ जाता है, उसमें बड़ी आलमी नफ्सियाती मसले बन जाते हैं. इसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि एक इंसान डिप्रेस है? डिप्रेशन कैन बी मोर देन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ सैडनेस एंड फीलिंग ब्लू. लाइक उन्हें कुछ उन लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं दिखता. मेजर डिप्रेशन कॉज ऑफ वैरायटी ऑफ सिम्टम्स और मूड एंड अदर इफेक्ट्स योर बॉडी सिम्टम्स में आल्सो बी ऑनगोइंग और कमिंग एंड गो. सो सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन कैन बी एक्सपीरियंस डिफरेंटली अमंग मेन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन. इन लोगों में अलग अलग तरीके से हम डिप्रेशन को देख सकें. मोस्टली सब में सेम ही रहते हैं, सैडनेस, कॉन्स्टेंट इलनेस, डेजीनेस और उन्हें समटाइम्स पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी होता है जो लेडीज में होता है. ये सारे डिप्रेशन की अलामत होती है. हिंदुस्तान में, इंडिया में डिप्रेशन के बहुत ज्यादा केसेस बहुत ज्यादा डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से खुदकुशी के केसेस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं. तो इसमें 20 में से एक फर्द डिप्रेशन का शिकार है. उसमें से 0.9% ऑफ पॉपुलेशन हैज अ हाई रिस्क ऑफ सुसाइड. 0.9% लोग सुसाइड की तरफ चले जाते हैं. 10% लोग मेंटल इलनेस की तरफ चले जाते हैं. 10% लोग सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल इलनेस और नॉट सीक एनी ट्रीटमेंट डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ इलनेस फॉर मोर देन 12 मंथ्स. इनको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से ये दूसरी चीजों की जानिब राग़िब हो जाते हैं. 60 मिलियन इंडियन सफर फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ मेंटल इलनेस. मीन्स आउट ऑफ अपने 120 मिलियन लोग में से 60% लोग मेंटल इलनेस के शिकार हैं जिसको एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है. दे आर ओनली 0.3 साइकेट्रिक पर 1 लाख लोग पे सिर्फ ही लोग साइकेट्रिक हैं जो हमें हेल्प कर पाते हैं. ओनली 0.07% ऑफ आवर बजट इज अलोकेटेड टू मेंटल हेल्थ. हमारे गवर्नमेंट मेंटल हेल्थ पे ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं कंसिडरिंग कैंसर, टीबी और अदर डिजीजेस. दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द मेंटल इलनेस एज दे आर नॉट थिंकिंग इट्स अ serious issue. According to the date, 20% of the Indian will suffer from a mental illness by 2020.
हमारे आज लास्ट 2020 तक 20% लोग मेंटल इलनेस का शिकार हो चुके हैं, और ये मेंटल इलनेस सिर्फ मेंटल तक ही नहीं रह जाता, ये हमारी दूसरे बीमारी में भी बहुत ज्यादा इजाफा करता है। जैसे कि अगर एर्थराइटिस पेशेंट है, उनकी एर्थराइटिस ज्यादा हो जाती है, ज्यादा प्रॉब्लम देने लगती है बिकॉज ऑफ द मेंटल इलनेस। हालांकि वो जोड़ों के दर्द है, लेकिन चूंकि वो जहानत की अफसरदगी के शिकार हैं, उनको ये ज्यादा असर करता है। एस्थमा में ज्यादा इफेक्ट करता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में, हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज, ओबेसिटी, ये सारी चीजों पे अफसरदगी की वजह से ज्यादा इफेक्ट होता है, ज्यादा खराब हो जाती है ये बीमारियां। डिप्रेशन में हेल्पलेसनेस, गिल्टी, एंगर, चेंज इन एपेटाइट, दीज थिंग्स आर डिप्रेशन। बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि मैं जिस पे काम कर रही हूँ, MDD, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, इसमें क्या होता है, 5-hydroxytryptamine का काम होता है, यानी कि सेरोटोनिन का काम होता है, जिसको हम इंक्रीज करते हैं पोस्ट सिनैप्टिक रीजन में बाय ब्लॉकिंग द SSRI, सेरोटोनिन, सिंगल सेरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करके। व्हाट आर, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द नर्व्स व्हिच प्रेजेंट इन आवर ऑल ओवर द बॉडी, व्हिच ट्रांसमिट, जो ट्रांसमिट करते हैं मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पे। न्यूरोट्रांसमीटर्स तीन टाइप्स के होते हैं, उसमें से इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स में ग्लाइसिन, गाबा, सेरोटोनिन एंड डोपामाइन होता है। सेरोटोनिन इज नथिंग बट अ 5-hydroxytryptamine। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, डॉक्टर ज्यादातर सबसे पहले जो दवा हमें प्रिस्क्राइब करते हैं वो क्या होता है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं। ये इनहिबिट करते हैं रीअपटेक ऑफ द सेरोटोनिन को। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेरोटोनिन, जो कि हमारे मेम्ब्रेन में न्यूरॉन्स इन द आर फाउंड द मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दीज आर द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, सेरोटोनिन इज अ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। ये हमारे एडिनाइलेट साइक्लेज का काम को रोकता है। जब हम लोग 5-HT7 रिसेप्टर्स लेते हैं तो यहाँ के काम को ये रोक देगा, और जो कैंप का जो बनना होता है ये कम कर देता है। बाय ब्लॉकिंग दिस ओनली दैट दिस वर्क्स, SSRI वर्क, सेरोटोनिन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर्स वर्क्स। 5-HT रिसेप्टर्स 7 टाइप्स के होते हैं, 5-HT1A, 1B, 1C, मैंने 5-HT1A को सिलेक्ट किया है बाय ब्लॉकिंग सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स को ब्लॉक करके। ये पोस्ट साइनेप्टिक रीजन होता है, यहाँ से सेरोटोनिन, ओके, सेरोटोनिन का काम क्या होता है, हमारे मैसेज को ट्रांसफर करने का काम होता है बिकॉज इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये क्या करता है, दिस आर द सेरोटोनिन, सेरोटोनिन हमारे साइनेप्सिस पे जाकर के पोस्ट साइनेप्टिक रीजन से प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक रीजन में मैसेजेस ट्रांसफर करता है, और ये अपना काम खत्म करके वापस चला जाता है प्री साइनेप्टिक रीजन में। तो ये जो सेरोटोनिन का वापस जाना है उसको हम रोकते हैं, इसको हम रोकने को बोलते हैं सेरोटोनिन सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। मतलब हमने रीअपटेक करना रोका है सेरोटोनिन का, यानी कि हमने पोस्ट साइनेप्टिक रीजन में सेरोटोनिन को की मकदार को बढ़ाई है। तो जब सेरोटोनिन की मकदार पोस्ट साइनेप्टिक रीजन में बढ़ने लगती है तो डिप्रेशन कम होने लगता है। तो इस तरीके से हम एंटी डिप्रेशन ड्रग की तामीर करते हैं या बनाते हैं, इस तरीके से हम ड्रग डिजाइन करते हैं। चूंकि हम देख सकते हैं कि सेरोटोनिन का स्ट्रक्चर में इंडोल रिंग है और लॉन्ग चेन ऑफ CSCH है एंड अमाइन ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो हम लोगों ने क्या किया कि इस तरीके का ड्रग्स देखा, मतलब देखा कि मार्केट में किस तरीके का ड्रग्स है, इसके डिजाइन क्या है, सो दैट इट कैन बाइंड द सेम थिंग। ये सेरोटोनिन को वापस लेने के लिए रोकना है तो हमें लॉक एंड की मॉडल, तो हमने एक नकली चाबी की तरह हम बना करके इसे ब्लॉक करते हैं। तो ये जो पोस्ट प्री साइनेप्टिक रीजन है ये समझता है कि सेरोटोनिन ही जा रहा है, लेकिन एक्चुअली सेरोटोनिन नहीं रहता है, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर रहता है। तो ये इनहिबिटर जाकर के ब्लॉक कर देता है प्री साइनेप्टिक रीजन को, और बाकी के जो रियल सेरोटोनिन रहते हैं वो पोस्ट साइनेप्टिक रीजन में दाखिल होने लगते हैं। इसके जो कॉमन ड्रग्स हैं जो कि मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो पहले से सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, उसमें से एक है सिटालोप्राम,
डेपोक्सेटिन, एस्टिलारोप्राम, फ्लोक्सिटिन, फ्लोक्सामाइन, पैरोक्सिटिन, सेट्रालीन, वॉटियोक्सिटिन. दीज आर द मोस्ट कॉमन डिजाइन ड्रग्स जिसमें पाइपरेजिन रिंग और सल्फामाइन ग्रुप्स होते हैं. ये सारे हमने स्टडीज में मालूम करे कि दीज आर द कॉमन स्ट्रक्चर्स विच हैज टू बी देयर फॉर द रीअपटेक इनहिबिटर्स. और हमने स्टडी में पाया कि 5-HT को जब ये हम लोग मिथाइलिन ग्रुप का इंक्रीज करते हैं रिंग को, चेन को, तो इसका जो एफिकेसी है ये बढ़ता है. और इस सब बुनियाद पे हमने लिटरेचर सर्वे से 5 different कंपाउंड्स के, दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स, इसमें वेरिएशन ला करके 80 कंपाउंड्स हमने आइसोलेट किया फ्रॉम द डिफरेंट रिसर्च, फ्रॉम द डिफरेंट पेपर्स. उसके बाद इन सबों को मैंने, हमने 80 कंपाउंड्स का हमने डॉकिंग स्टडीज किया. डॉकिंग स्टडीज में, डॉकिंग स्टडी चेक करने के बाद इनसे, इनका फार्माकोफोर बेस्ड वर्चुअल स्क्रीनिंग से हमने एक डिजाइन डेवलप किया, जिस डिजाइन की मदद से, जिस डिजाइन पे हमने फिर डेटाबेस को रन करके चेक किया कि डेटाबेस पे ये कौन कौन से कंपाउंड अच्छा बाइंडिंग एनर्जी शो करते हैं. तो जो कंपाउंड, और जो कंपाउंड बाइंडिंग एनर्जी शो करते हैं फिर उनको हमने फर्दर डॉकिंग किया. तो हमें मालूम इनके 80 कंपाउंड्स के कंपैरेटिवली हमें कुछ कंपाउंड्स ऐसे मिले जो हमने डिजाइन किए थे और जो हमने डेटाबेस पर रन किए थे, उनके मदद से हम लोगों ने कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स मुहैया करे हैं जो कि अच्छे डॉक स्कोर शो करते हैं और गुड, लेस बाइंडिंग एनर्जी है, यानी कि दे आर मोर ससेप्टेबल टू द 5-HT रिसेप्टर्स. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फार्माकोफोर मॉडल विच वी हैव डिजाइंड इन द स्टडीज विद द हेल्प ऑफ 80 मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द डिफरेंट लिटरेचर वर्क. This is the binding free energy of the highly active compounds, which is -57.312, and DOX score is -3.543. But what we have designed is a good DOX score, which is -6.076, and the binding energy is -82.857. With the help of these two and the predictive IC50 value is 7.518, but okay, activity is greater in this compound, which is given in the literature. Activity we are getting is less, but the DOX score and binding free energy is. जी. पता है कैसे बोलने लग गई? हाँ, binding free energy is. बाबला. ऐसे वैसे. But the DOX score and the binding free energy is very good comparatively the literature compound what we have designed and discovered from the Acinex database and Ottawa database. These are the few interactions which is very good comparatively the given compound which is in the literature. जो कि literature में है उससे comparatively ये बहुत अच्छा compound, बहुत अच्छा interaction हमें show करा मेरे, हमारे design और isolated compound से from the database, Acinex database. These are the few compounds which we have discovered with a good DOX score and good binding energy. So with the conclusion, हमें ये पता चला कि we have discovered new potent inhibitors against 5-HT1A, pharmacophore virtual screening, molecular docking on binding energy were employed to achieve this purpose. हमें AADPR was developed जो कि 80 मॉलिक्यूल्स में हमने लिया था और जो कि बहुत अच्छा काम शो कर रहे थे. थैंक यू फॉर द सेशन. थैंक यू. थैंक यू अमरीन जी. सर सर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नाहिद सर. यहाँ नाहिद सर, मुझे एक सवाल ये पूछना था यहाँ पर कि ये जो कंपाउंड्स आपने तैयार किए हैं जी सर, तो इनसे मिलते जुलते कंपाउंड्स में सेम एक्टिविटी है या उनकी एक्टिविटी अलग है? सर मिलते जुलते कंपाउंड है, सेम एक्टिविटी. नहीं नहीं, आप ये बताइए कि ये जो आपने कंपाउंड्स बनाए हैं इनसे मिलते जुलते अगर कंपाउंड्स है
तो इससे पहले किसी ने उसकी अलग एक्टिविटीज वगैरह बताई हैं क्या? सर काइंड ऑफ मैं समझ नहीं पाई. नाहिद क्वेश्चन ये है कि इस टाइप का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहीं और किसी और मतलब एक्टिव कोई और भी एक्टिविटी शो कर रहा है कि नहीं लिटरेचर के बेस पे? सर वो हम लोगों ने चेक नहीं किया है फिलहाल. लाइक एंटी डिप्रेशन यही क्वेश्चन है पठान सर आपका. हाँ हाँ जी प्रोफेसर पठान, दिस इज एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ ड्रग रिपर्पजिंग. You know, जो मॉलिक्यूल्स ये डिफरेंट कलेक्ट करते हैं उसके बाद उनको स्क्रीन करते हैं, दे डेफिनेटली वुड बी शोइंग सम डिफरेंट एक्टिविटी. एक्सक्यूज मी, मैं पूछना चाहता हूँ आपने डॉकिंग के लिए कौन सा यूज किया है सॉफ्टवेयर? व्हिच डॉकिंग टूल हैव यू यूज्ड? सर शुड इट डॉकिंग के लिए? ऑलराइट ऑलराइट ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच. ओके इफ दैट द केस इंशाल्लाह तो फिर हम आगे बढ़ेंगे. अरिश साहब प्रोफेसर. हाँ ठीक है जी. तो शुक्रिया वंस अगेन कि भाई आपने मुख्तलिफ टूल्स के जरिए वर्चुअल स्क्रीनिंग के ये वर्चुअल डॉकिंग मतलब के जरिए आपने बताया कि इज इट पॉसिबल टू गेट अ ड्रग. एंड हम आपको मतलब इश्यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट. और इस तरह से हम दूसरे चौथे प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं. आज के सेशन का चौथा प्रोजेक्ट है फ्लोरोसेंस केमोसेंसेस पिरोलुजीन डेरिवेटिव्स के जरिए जो हमारे ही मानो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री मानो से स्कूल ऑफ साइंसेस के तालिबा समरीन कौशल से हैं जो कासिमुल्लाह साहब और सलमान साहब के स्टूडेंट्स हैं. मैं समरीन कौशल से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और अपना मखाला पेश करें. नाहिद आप अपना ये बंद करें स्लाइड शेयर. हाँ प्लीज थैंक यू समरीन अपना स्लाइड शेयर शुरू करें आप. जी सर प्लीज. समरीन हमारे यहाँ सुभाष सर मौजूद हैं टेक्निकल एक्सपर्ट. अगर आप कुछ कहें तो सर मे बी हेल्प यू अगर कोई दिक्कत पेश आ रही हो. आप सुन पा रही हैं हमें? जी जी सर. सुभाष सर अराउंड? सुभाष सर आप हैं मौजूद? जी जी सर अराउंड सर. सर स्क्रीन शेयर हुआ? आपका भी नहीं हुआ. थोड़ी सी हेल्प चाह रही है शायद पता नहीं इन्हें कुछ. सर स्क्रीन शेयर हुआ? नहीं हुआ अभी. करीब दोबारा ट्राई कीजिए समरीन. जी सर. सर स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं, 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 समरीन अगर कोई टेक्निकल इश्यू है स्क्रीन शेयर हो रही है तो आप चाहें तो. नहीं जी जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है. इसके बाद प्रेजेंट कर सकती हैं बाय द टाइम आप. नहीं अभी शो कर रहे हैं एक्चुअली. जी अच्छा जी ठीक है. तो कैन वी मूव फॉर नेक्स्ट वन? आप उसके बाद इंशाल्लाह फिर. जी जी सर जी
तो भाई बड़े ही माजरत के साथ नहीं सर आपकी प्रेजेंटेशन आप दुश्वारी है तो फिर हाँ आ गया चला आ गया भाई चलिए फिर कंटिन्यू करिएगा भाई ओ फिर ड्रॉप हो गया आपने फिर कनेक्शन फिर बंद कर दिया आपने नहीं ओके डिलेड शो हो रहा है सर एक्चुअली इंटरेक्शन नहीं है सर से बिल या मे बी सर डिलेड शो हो रहा है वो एरर खा रहा है तो ठीक है समरीन हम कुछ देर के लिए रुक जाते हैं सर अगर आप इजाजत हैं जी जी पठान साहब हम लोग वी कैन गो टू नेक्स्ट वन बाय द टाइम शी कैन डिक्लेयर तो भाई हमारे अगले प्रेजेंटर हमारे अगले मकाला निगार इस सेशन के मोहम्मद मोहसिन जो यही मानो स्कूल ऑफ साइंसेज डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के तालिब इल्म हैं डॉक्टर खतीमुल्ला साहब और सलमान साहब के साथ काम करते हैं ये आज अपना मकाला क्विनोलीन डेरिवेटिव्स की सिंथेसिस और इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज से गुफ्तगू करेंगे तो मैं दावत देता हूँ मोहम्मद मोहसिन को आए और अपने मकाला पेश करें अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि जी सर जी आप अपनी स्लाइड शेयर करना चाहें प्लीज भाई ये दरख्वास्त सभी प्रेजेंटर्स से है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन से पहले हम अवॉइड ये मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन करके रखिए खोल करके देख लीजिए कि स्लाइड्स आगे पीछे हो रही है कोई दिक्कत हो ताकि इसमें आसानी हो जाए थैंक यू मोहसिन प्लीज जी सर Assalamu alaikum. I am Mohammad Mohsin, working as a research scholar in the Department of Chemistry under the supervision of Dr. Salman sir and Dr. Qasimullah sir. Today my talk is synthesis of quinoline derivative and their biological application. Aaj ka unwaan hai mera, so synthesis of quinoline aur iske biological application. So first let's start. What is quinoline? Quinoline kya hai? क्विनोलिन एक हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो जिसमें एक बेंजीन रिंग है बेंजीन रिंग इज अटैच फ्यूज्ड विद पिरिडीन तो अगर हम देखें तो यहाँ पे बेंजीन रिंग है बेंजीन रिंग इसको अगर हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में अगर हम लोग इसको देखें तो इसको हम लोग बेंजो पिरिडीन भी बोलते हैं और बेंजो बी पिरिडीन क्योंकि पिरिडीन जो है अगर हम लोग बेंजीन को ए से डिनोट करें तो ए लिए तो बेंजीन को यहाँ पे पिरिडीन बी होता है तो बेंजो बी पिरिडीन बी से बोलते हैं तो नॉर्मली ये क्या है येलोइश लिक्विड है स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है और इसको आइसोलेशन एज ए एल्कोलाइड है और इसे हम कोल्ड टार से भी इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं अगर हम एक एक कार्बन देखें तो कुल मिला के इसमें 9 कार्बन है 9 कार्बन है 1 और 1 नाइट्रोजन है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और इसमें कुल 5 अल्टरनेट डबल बॉन्ड है जिसमें कंजुगेशन होती है टोटल इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन होती है जो कि एरोमेटिक प्रॉपर्टीज हॉकेल रूल फॉलो करते हैं इसके बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में अगर हम देखें तो एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल में इसके बहुत सारा मेडिसिनल यूज होते हैं क्विनोलिन और इसके डेरिवेटिव तो कुछ मेडिसिंस के एग्जांपल में नेचुरल मेडिसिंस है जो मैं आपको स्लाइड्स में शो कर रहा हूँ यहाँ पे क्विनिन क्विनिडीन आज एंटी मलेरियल ड्रग्स के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करते हैं टोपोडिसिन एंटी कैंसर ड्रग्स के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करते हैं और नेचुरल अकरिंग जो मेडिसिन है लाइक नॉरफ्लैक्सिन क्विनोलिक एसिड एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मली क्विनोलिन डेरिवेटिव बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रॉपर्टी शो करते हैं जाहिर सी बात है अगर उसमें हम लोग कोई एडिशनल ग्रुप लाइक क्लोरिनेटेड या क्लोरिनेटेड अगर ग्रुप है कोई और कोई ग्रुप ऐड करते हैं तो हेटेरोसाइक्लिक ग्रुप तो उसमें क्या होती है तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी और भी इनहांस होती है कुछ एग्जांपल मैं आपको शो करना चाह रहा हूँ सिंथेसिस ऑफ 2-chloro-3-formyl क्विनोलिन
इनिशियली हम लोग एनिलिन ले रहे हैं, एनिलिन के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड से हम लोग रिएक्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में। जैसे कि हम लोग इसे रिएक्ट करने के बाद हमको एसिटोनालाइट फॉर्म होता है। एसिटोनालाइट को फिर हम आगे फिर हमको क्या करना है, फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड या DMF के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन करते हैं तो हमको क्विनोलिन डेरिवेटिव 2-chloro-3-formyl क्विनोलिन फॉर्म होता है। तो सेकेंड स्टेप में भी हम लोग दो तरीके से हम लोग इसकी सिंथेसिस कर सकते हैं, फॉस्फरस PCl5 के प्रेजेंस में या POCl3 के फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड DMF के प्रेजेंस में फर्स्ट स्टेप में हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, और सेकेंड स्टेप में POCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ DMF। तो 80-90 डिग्री सेल्सियस में हम लोग प्रिपरेशन करने के बाद 2-chloro-3-formyl क्विनोलिन हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो 2-chloro-3-formyl क्विनोलिन इसके बहुत सारे बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस है। तो जैसा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड प्रिकॉशन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ हेटरोसाइक्लिक सिस्टम, एंटीबायोटिक्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एंटी माइक्रोबियल एंटी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एज ए प्रिकॉशन इस्तेमाल करते हैं। कुछ मेडिसिन लाइक टोपोटिसिन हैव, ये हमको एंटी कैंसर ड्रग हम लोग जैसे एग्जाम्पल है एंटी कैंसर ड्रग। यहाँ पे भी हम लोग देखे तो क्विनोलिन डेरिवेटिव है, तो क्विनोलिन डेरिवेटिव के साथ और कुछ हम लोग हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड इससे कंबाइन करने के बाद फिर से इसकी क्या होता है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। ये एंटी कैंसर आज एंटी कैंसर ड्रग हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और कुछ ऐसे ड्रग्स है जिसे और भी हम लाइक नॉरफ्लैक्सिन है, क्विनोलिन एसिड है, तो उसे हम एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारा अभी फीडबैक जो हमें काम करना चाह रहे हैं क्विनोलिन डेरिवेटिव के ऊपर काम करना चाह रहे हैं आज तो क्विनोलिन डेरिवेटिव में तो क्विनोलिन वेरियस तो इसके बहुत सारा एप्लीकेशन है। इसमें और कुछ हम लोग रिएक्शन शुरू करके इंशाल्लाह अभी इसके ऊपर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और आइंदा इंशाल्लाह हुआ तो इसके ऊपर कुछ इसके ऊपर और आगे काम करके इंशाल्लाह कुछ अच्छे डेरिवेटिव्स प्रिपेयर करके ड्रग्स प्रिपरेशंस करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सर, शुक्रिया मोहसिन। मैं एक बात बता देना चाहूँ, जी सर, ये तलबा अभी PhD स्टार्ट करने वाले तलबा हैं, इसी कोविड टाइम में कोविड पैंडेमिक में शुरू किए बमुश्किल कुछ महीने पहले, तो दे आर नाउ बिगिनिंग स्टेज। बट ऑफकोर्स मोहसिन और तमाम तलबा से भी गुजारिश है कि यहाँ के बहुत ही एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, तो आई एम श्योर इफ दे कुड आस्क समथिंग और इफ दे कुड सजेस्ट आई अप्रिशिएट। प्रोफेसर पठान साहब आपसे शुरू करना चाहता हूँ। मोहसिन साहब, आपने अभी जो तुम दो दवाइयों के स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं जी, जिसमें एक है तो वो वेलोक्सिन एक है जी, उसके अंदर क्विनोलिन मॉइटी उसके अंदर मौजूद है, मोटिफ है या स्ट्रक्चर में गलती है या फिर टाइपिंग गलती है स्ट्रक्चर की या फिर क्विनोलिन उसमें नहीं है? अगर आप दोबारा शेयर कर सके मोहसिन स्लाइड, उस वक्त बंद ना करें। फर्स्ट स्ट्रक्चर में है जो सर, फर्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्विनोलिन है, दिस वन इज क्विनोलिन स्ट्रक्चर, नहीं वेलोक्सिन। हाँ इसमें सर गलती है सर, ये सर एक बेंजीन होना चाहिए था। करेक्शन कीजिए। हाँ सर बेंजीन होना चाहिए था जिसमें नाइट्रोजन आएगा बीच में, कार्बन के साथ कार्बन से अटैच होना चाहिए था, तो बेंजीन। अच्छा करेक्शन जी सर। आपके इसमें से कुछ मॉलिक्यूल तैयार हुए हैं क्या, अभी करना बाकी? नहीं सर लैब शुरू नहीं हुआ, अब रिसेंटली अभी लैब शुरू नहीं हुआ, अभी लैब शुरू करें तो इंशाल्लाह काम करते हैं। अभी अभी सर इन लोगों ने कोर्स पर कंप्लीट किया है जी हाँ, तो अभी अंडर लिटरेचर सर्वे में ही बेसिकली। हाँ हाँ ठीक ठीक, शुक्रिया सर। कोई सजेशन कोई इनपुट आपकी जानिब से और प्रोफेसर डॉक्टर वानी साहब की जानिब से भी आई वुड अप्रिशिएट। वानी साहब भी रहेंगे और आई एम सॉरी आई मिस्ड दिस प्रेजेंटेशन, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये जनाब जो हैं अभी अपना रिसर्च शुरू करने वाले हैं, जैसे वर्चुअल सब चीज हो रही है ना, रिसर्च भी अभी वर्चुअल चल रहा है, ही प्लान फॉर दिस वर्क एंड आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कुड सजेस्ट और आई डोंट नो मींस डिड यू मिस नो प्रॉब्लम He can contact me anytime if he needs any help. He can contact me anytime.
I put my, thank I have, you, you know, yeah, in the chat box, my email ID is already there. He can write me an email and he can, you know, get any sort of help. I can extend any sort of help. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. The professor, कुछ करना है? हमारे स्टूडेंट टिनोलिन के ऊपर काम कर रहे हैं और अगर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ दूसरे मॉइटी के साथ हेटरोसाइक्लिक का और खास तौर से फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स के अगर उसके अंदर कुछ कपलिंग वगैरह करना हो तो आप हमारे से भी स्टूडेंट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं जी 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 जरूर इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया सर डेफिनेटली सर हम लोग करेंगे कोलैबोरेटिव वर्क करेंगे और कुछ ऐसा फ्रेमवर्क भी बनाया है हमने जो स्कीम बनाया है जो हम लोग लेटर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे Thank you. जी. So if that's the case, shall we stop here, sir? Professor Fatan sir, shall we move to next one? Yeah, हम next. आगे की जाने. जी. आगे. समरीन कौर सर आप मौजूद हैं भाई? जी सर मौजूद हूँ. समरीन. जी. जी सर मौजूद हूँ. जी कोशिश. Please. जी सर. कोशिश करें आप. सारी टैब्स फिर से क्लोज करके ऑन की है. इंशाल्लाह जरूर कर पाऊँ. जी. जी. तमाम स्टूडेंट्स को उस वक्त मैं फिर अनाउंस करना चाह रहा हूं कि प्रोफेसर आरिफ पठान साहब और प्रोफेसर डॉक्टर वानी साहब ने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर किए हैं जरूर उससे इस्तेफादा लें और भाई इस दौर में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ केमिस्ट्री करूंगा बगैर कोलैबोरेटिव रिसर्च के ये तस्वीर ही बिल्कुल वो है कि हम कुछ कर सकते हैं जी समरीन आपकी स्लाइड नजर आ रही है आप बिना ताखीर शुरू कर सकती हैं जी जी लेकिन समरीन हम सुन पा रहे हैं जी जी सर जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहु का माइक अगर आप म्यूट कर दें मैं आप तमाम असातिज़ा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे यहाँ अपना प्रेजेंटेशन देने का मौका फराहम किया गया है मेरा इसमें शरीफ समरीन कौसर अब्दुल रऊफ है और मैं डॉक्टर कासिम अल्लाह सर की सरबराही में पीएचडी केमिस्ट्री की अव्वल साल की तालिब इल्म हूँ हमारे रिसर्च का टॉपिक है पैराज़ोल मुश्तक का इस्तेमाल बतौर फ्लोरोसेंट कीमोसेंसर जहरीले अनासिरों की शनाख्त या फिर हम भारी धात आयनों की शनाख्त के लिए कर सकते हैं पैराज़ोलिन एक फाइव मेंबर्ड हाइड्रोसाइक्लिक गैर हल्की मुरक्कब है जिसमें दो नाइट्रोजन और एक अंदरूनी दोहरा बंद यानी एंडोसाइक्लिक बॉन्ड मौजूद है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी की वजह से इसे असासी मुरक्कबात में शामिल किया गया है असासी खसूसियत को ये जाहिर करता है पैराज़ोलिन और इसके मुरक्कबात का इस्तेमाल बहुत वसी है जैसे कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में किया जाता है बतौर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स या फिर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है जिसके बारे में लिटरेचर रिव्यू के दौरान शैलेश शाह जिन्होंने मसनूई तौर पर एजिटिडीन टू ओन फिनील सल्फोनील पैराज़ोलिन मुरक्कब बनाया है इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ देख सकते हैं एज एंटी माइक्रोबियल दूसरा नीथो और उनकी टीम ने एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग बतौर पैराज़ोलिन डेरिवेटिव के तौर पर इसको बनाया है और तीसरा जो है वो बेजो मैथिव है जिन्होंने पैराज़ोलिन का इस्तेमाल करके एंटी डिप्रेशन ड्रग बनाया है और एंटी पैराज़ोलिन डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल एज ए एंटी कैंसर ड्रग बनाने के लिए भी किया जा रहा है और बहुत से ड्रग्स रिपोर्ट किए गए हैं जिनमें से एक आरपी राठौड़ है पैराज़ोलिन और इसके डेरिवेटिव्स के इस्तेमाल सिर्फ यहाँ तक ही महदूद नहीं है इसके अलावा मेडिकल साइंस मेडिसिनल केमिस्ट्री मटेरियल साइंस में भी इसके बहुत से इस्तेमाल किए जा रहे हैं बतौर छोटे साल में बनाना जैसे कि फ्लोरोसेंट केमोसेंसर फ्लोरोसेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम रोशनी का इखराज देखते हैं जब हम किसी महलूल को खास किस्म की रोशनी से मुतासर करते हैं इस मेथड के इस्तेमाल बहुत दूसरे शोबों में भी किए जा रहे हैं जैसे फार्मास्यूटिकल एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजिकल मेडिसिनल मेडिकल एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री इस मेथड से
ज्यादा इस्तेमाल होने या फिर केमिस्ट या ड्रगिस्ट का इसकी तरफ रुझान होने की दो अहम वजहात है। इस टेक्निक से हम कम से कम वक्त में अच्छे नतायज मुहैया करवा सकते हैं और कम वक्त में, कम खर्च में, कम कीमत में हम ऑब्जर्वेशंस या मुशाहिदा देख सकते हैं। इन वजहों की वजह से फ्लोरोसेंट केमोसेंसर्स का इस्तेमाल या फिर इनके सिंथेसिस का इस्तेमाल टॉक्सिक मेटल आयंस बनाने और इनको इनकी शनाख्त करने के लिए किया जा रहा है। टॉक्सिक मेटल आयंस ऐसे मेटल आयंस है जिनका एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा होता है और इनकी हाई डेंसिटी होती है। आज के माहौल को अगर हम देखते हैं, माहौल आसपास का अगर देखते हैं, तो ये मेटल आयंस पानी, आबोहवा, जमीन में पाए जा रहे हैं और इनकी मिकदार को कंट्रोल करना या फिर इनको डिटेक्ट करना एक अहम मसला बन गया है। ये इसलिए बना है क्योंकि इससे ज्यादातर जानदारों की सेहत पर नुकसानदायक असरात देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे खलिये में अगर एंजाइम के निजाम को हम देखें तो लेड अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो वो इसको बिगाड़ता है, किडनी डैमेज और ब्रेन की जो डेवलपमेंट है फीटस में होनी चाहिए, बच्चों में होनी चाहिए, अगर लेड की पॉइजनिंग हो जाती है तो वो सही तरीके से नहीं हो पाती है, उसमें चेंजेस नजर आते हैं। या फिर हम लेड पॉइजनिंग की वजह से जो पेंटरकोलिक होता है वो भी इसी में से एक नुकसानदा आसरात की निशानी है। साथ ही साथ लेड पॉइजनिंग को हम एज अ कैंसर कॉजिंग एजेंट के तौर पर भी देख रहे हैं। पैराजोलिन को बतौर कीमोसेंसर इस्तेमाल किया गया है। एक सिंथेसिस यहाँ हम देख रहे हैं, ये सिंथेसिस जो किया है वो करीमी और उनकी टीम ने किया है। करीमी ने एक पैराजोलिन को लेके एनएरिल पैराजोल लेकर इसका डिटेक्शन एजी मेटल आयन के साथ किया है। इसमें महरूल उन्होंने डीएमएसओ और H2 इस्तेमाल किया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जब मेटल आयन इसके साथ में इनकॉर्पोरेट हो रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग फ्लोरेसेंस हम देख पा रहे हैं जिसको हम टर्न ऑन फ्लोरेसेंस कहेंगे, क्योंकि यहाँ इंटेंसिटी जो है एब्जॉर्प्शन की इमिशन की जो है वो इंक्रीज हुई है, सडन हाइक हुई है 575 नैनोमीटर। और दूसरा जो एक केस है एन फिनील पैराजोल का, इसमें हम देख रहे हैं कि टर्न ऑफ हो रहा है। पहले इंटेंसिटी अच्छी है लेकिन उसके बाद जैसे ही मेटल के साथ इसकी बॉन्डिंग होती है, इनकॉर्पोरेशन होता है, तो वीक फ्लोरेसेंस हम देख पा रहे हैं। और तीसरे केस में भी NH पैराजोल कंपाउंड के साथ करीमी और इनकी टीम ने काम किया है जिसमें उन्होंने रिपोर्ट किया कि 438 नैनोमीटर पर टर्न ऑफ फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व हुआ है। ये सारे जो फ्लोरेसेंट कीमोसेंसर के बारे में हम देख रहे हैं, इनका प्रिपरेशन, सिंथेसिस और एप्लीकेशन पार्ट, ये लिटरेचर रिव्यू के बेसिस पर हम देख रहे हैं। आने वाले आइंदा वक्त में हम कुछ इसी तरह के सिंथेसिस और प्रिपरेशन के लिए कोशिश करेंगे जो नॉवेल सिंथेसिस होगा, एक ऐसा कीमोसेंसर जो हैवी मेटल आयन या टॉक्सिक मेटल आयन को आसानी से डिटेक्ट कर पाए। थैंक यू। शुक्रिया समरीन का सर, बहुत ही अच्छा आपने बहुत तैयारी और नाइस स्लाइड। तो मैं प्रोफेसर आरिफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो फीडबैक। हाँ सर, समरीन साहिबा, मुझे ये पूछना है इसमें जी सर के जी आप जो ये केमो सेंसर्स बना रहे हैं तो इसमें क्रोमोफोर ये ऑक्सोक्रोम वगैरह ग्रुप्स कौन कौन से लेंगे? सर डोनर ग्रुप और एक एक्सेप्टर ग्रुप लेंगे जिसको हम पाई कॉन्जुगेशन के साथ क्रोमोफोर में तब्दील कर सकते हैं। दो ऐसी एंटिटी हमको सिलेक्ट करनी पड़ेंगी जिसमें एक डोनर ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे कि मिथॉक्सीबेंजाल्डिहाइड, और एक्सेप्टर ग्रुप हो जिसमें साइनो ग्रुप प्रेजेंट हो, अमाइनो ग्रुप या एनएन डाइमिथिल ग्रुप प्रेजेंट हो। इस तरह के मिलते जुलते या इस तरह के जो कंपाउंड्स केमो सेंसर्स हैं तो पैराजोल के
पैराजोलिन के अलावा और कौन से है जो अभी है तो रिपोर्टेड है? कुछ शीप बेस भी इस तरह से रिपोर्ट किए गए हैं पैराजोलिन एंटिटी को छोड़कर अगर हम देखें तो आईसीटीन एक कंपाउंड है देन सैलिसिलाल्डिहाइड को भी इनकॉर्पोरेट कर बनाया गया है कुछ ऐसे पेपर्स लिटरेचर सर्वे में देखे हैं। अच्छा ठीक है सलाउद्दीन साहब जी शुक्रिया सर बहुत बहुत शुक्रिया समरीन और प्रोफेसर पठान साहब। देखिए मैं एक बात बता देना चाह रहा हूँ यूं तो हमारा वक्त बहुत करीब है लेकिन हम लंच ब्रेक का थोड़ा सा फायदा उठाते हुए हम अपने सेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करें ताकि तमाम स्पीकर्स के साथ भी इंसाफी हो उनको भी अपना सही वक्त मैसर हो। तो शुक्रिया समरीन आप अपना स्लाइड शो बंद करें और हमारी इस सेशन की छठवीं स्पीकर आज की डॉक्टर सुंबल रहमान जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हैं वो बशराकत डॉक्टर आरिफ अहमद साहब स्कूल ऑफ साइंसेस मानू के साथ अपना मखाला पेश करेंगे और ये मखाले में इन्होंने देसी दवाओं की मेयारबंदी बहुत ही अहम मौजू पे इन्होंने अपना एक काम चुना। तो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर सुंबल रहमान साहबा से वो आए और अपना लेक्चर प्लीज शुरू करें अपना टॉक मखाला पेश करें। डॉक्टर सुंबल रहमान मौजूद हैं जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर जी प्लीज वालेकुम अस्सलाम गुड हम आपकी स्लाइड देख रहे हैं जी। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी द प्लेटफॉर्म। मैं तमाम ऑर्गेनाइजर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर अपना मकाला पेश करने की इजाज़त दी। मैं डॉक्टर सुंबुल रहमान फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैं बेसिकली अगर जिस तरह से मैं देख रही हूँ सेशंस में केमिस्ट्री से मुतालिक काफ़ी बहुत बेहतरीन मकाले पेश किए जा रहे हैं और काफ़ी इन डेप्थ उनके ऊपर रिसर्चेस की जा रही हैं मतलब लाइक दे आर एक्सप्लोरिंग केमिस्ट्री टू अ वेरी minor to minor level, they are going to a very higher level by using the sophisticated methods in the present era. तो इस इन चीज़ों को देखूँ मैं तो मैं अपने मखाले को थोड़ा सा डिफरेंट पाती हूँ कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन भी हो रहा था स्टार्टिंग में कि मेरा मखाला इन सब चीज़ों से कैसे कोरिलेट करता है बट फिर भी वजह इसकी है कि जिस तरह से कीमियादानी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया गया है सारे केमिकल स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लोर करके अपनी उनकी अफादियत के बारे में बयान किया गया है वहीं पर जहां पर मैं मकाला प्रेजेंट करने जा रही हूं यूनानी तिब्बी यूनानी से मुतालिक वहां पर हम कीमिया से ज़्यादा हम मुसल्लम पे बिलीव करते हैं हम होलिस्टिक अप्रोच को पर अपना एतमाद रखते हैं कि और मानना हमारा ये है कि हम मैन एज अ होल ड्रग एज अ होल डिजीज एज अ होल डिजीज के जो सिम्टम्स आते हैं वो एक थोड़ा सा उसका प्रिवेंटेशन है जिस तरह से मर्ज लाख होता है लेकिन अगर हम डिजीज को अगर हम एक मॉलिक्यूल तक ही कर दें कि अगर कुछ प्रॉब्लम है अगर कॉक्स इनहिबिटर करना है तो कॉक्स इनहिबिटर से वही ड्रग रिसेप्टर हम एज अ लिगेंड रिसेप्टर हम बाउंड कराया जाए हम ये नहीं मानते बल्कि हम ये मानते हैं कि अगर कॉक्स वन एक रिसेप्टर अगर इंफ्लुएंस हुआ है तो उसके सराउंडिंग में जितने भी और रिसेप्टर्स मौजूद हैं वो भी कहीं ना कहीं उसमें मुतासर होते हैं। तो दवाओं को जो तिब्बे यूनानी में इस्तेमाल करने का तरीका होता है वो ये होता है कि मेन हम रिसेप्टर्स को भी हम ठीक करें कोशिश करें कि वो भी ठीक हो जाए और जो बराबर में जो उसके और जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं वो जो मुजमहिल हुए हैं उसकी वजह से वो भी कहीं ना कहीं ठीक हो जाए। तो बीमारी को भी एज ए होल लिया जाता है तो दवाओं को भी एज ए होल इस्तेमाल किया जाता है उनके केमिकल्स को आइसोलेट करके ये प्योरीफाई करके उनको स्ट्रक्चरली इस तरह से इन फ्लूको अप्रोच को हम लोग ये हमारा अकीदा है ये तिब्बी यूनानी का अकीदा है मैं आपके अकीदे को तस्लीम करती हूँ आपका अपनी उसमें है लेकिन तिब्बी यूनानी का जो अकीदा है मैंने आपको सर के सामने रखा और उसी से रिलेटेड अब मैं ये मकाला प्रिजेंट करने चाह रही हूँ जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेचुरल ड्रग्स देसी दवाओं की मेयारबंदी व मुआवजना। ये अब सबको मालूम है जिस तरह से तारीख तिब में आप लोगों ने सुना भी होगा कि तारीख तिब से ये शब्द सामने हमारी नज़र आता रहा है कि तहजीब व तमद्दन के मराकज़ से मिस्र हो चाहे इराक हो उनकी तकवत तफक्कुर व तहकीक के काबिल कदर कारनामे के जरिए मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज देसी दवाओं से ही किया जाता था। अर्लियर ज़माने में भी अगर कदीम ज़माने को भी अगर देखें तो वहाँ पर उसकी केमिस्ट्री नहीं थी साइंस इतनी ज़्यादा उरूज पर नहीं थी तो दवाओं को एज अ होल आपने किसी जड़ी बूटी जिसको कौड़े कहा जाता है कि जड़ी बूटी को लेकर से इलाज किया जाता था जो वही दो देसी दवाओं को लेकर इस्तेमाल किया जाता था वो अफादियत प्रोड्यूस भी किया करती थी
ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ वेग था, पहले जमाने में बीमारियां हुआ करती थी और पहले जमाने में वही दवाएं इस्तेमाल होती थी और उन दवाओं से इलाज भी हुआ करता था, लोग ठीक भी हुआ करते थे। और वही जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया हदीम अतिबाओं ने, उनको उन्होंने एक जगह यकजा करके अपनी जितना भी उनका एक्सपीरियंस था उसको यकजा करके किताबों की शक्ल दी। और पहले ज़माने में जिस तरह से हम देखते हैं पपायरस, एडविन स्मिथ पपायरस, एबेरस पपायरस, मटीरिया मेडिका, खराबादीन, इन किताबों की शक्ल में हमें उनके सारे तजुर्बात को यकजा तौर पर हम देख सकते हैं कि कैसे बीमारियाँ हुआ करती थी, अतिबा के तरीके से मरीज को चेक किया करते थे, नब बोलो वो बराब तहकीक के ज़राए थे और उस तरह से वो दवाओं को इस्तेमाल करके किसी का जोशानदा बनाकर किसी को दवा को बॉईल किया, उसके जो फाइटोकेमिकल्स थे वो उस मुहल्लिल में आ जाते थे और उस मुहल्लिल को वो पिलाया करते थे। हालांकि थोड़ा सा अगर देखा जाए तो कीमिया वहाँ पर भी हासिल थी, वरना वो सिंपल उस दवा को पाउडर करके भी दवा को पिला देते और अफादियत हासिल हो जाती। मगर बाज़ औक़ात उन्होंने देखा कि उस दवा को अगर हम पानी में जोश दे दें और उस पानी में जोश देने के बाद उसके जो अजवा मौसरा मौजूद हैं दवाओं के अंदर वो पानी में बहलू में तहलील हो जाते हैं, बहलूल को पीने से भी फाफिलता हासिल हो जाती है। इसी तरह से आप देखते होंगे अरखे मको, अरखे काफनी शायद आप लोगों ने सुना होगा, जो कि यरकान जॉन्डिस दवा मानी जाती है और ये हमारे कदीम से इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह से जो तिब्बे यूनानी इस्तेमाल होती है तो ये सिर्फ तिब्बे यूनान तक ही सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है, बल्कि अगर हम देखें तो WHO भी कंसिडर करती है कि 80% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन यूजेस दीज ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हम जरूर हम केमिस्ट्री मॉलिकुलर अप्रोच पे हम काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि जितनी भी हमारी ड्रग्स हैं जो हमारे एलोपैथिक मेडिसिन में इस्तेमाल भी कर रहे हैं वो भी नेचुरल सोर्सेज से हमारे पास हासिल हो रही है। वो अलग बात है कि हम इन टिप को अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि हम इस्लामिक मेडिसिन जानते हैं, हम चाइनीज मेडिसिन जानते हैं, युगोर मेडिसिन जानते हैं, हर्बल मेडिसिन। WHO इसको बहुत बहुत अच्छे से इसको WHO तस्लीम करती है एज एन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। जैसे कि एविडेंस मौजूद है लिटरेचर के अंदर, आप उसके ऊपर बस साइंटिफिकली एक बार रीवैलिडेट कर लीजिए। ऑब्वियसली बिल्कुल क्लियर है, प्रैक्टिकल हम अप्रोच रखनी चाहिए। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि हमने जो लिखा हुआ है लिखी हुई बातों को देखते हुए मैं किसी मरीज को कोई दवा दे दूं, सिर्फ लिखी हुई बातों को देखकर बिल्कुल भी नहीं। बल्कि तिब्बे यूनानी भी मानती है कि जो बातें खराबादीन के अंदर दर्ज हैं उन दवाओं को पहले आप साइंटिफिकली एक बार स्क्रीन आउट कर लें, उनको रीवैलिडेट कर लें कि अतिबा हजरात ने जो लिखा है वो बात सही है, कि थोड़ा सा उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से जितनी भी दवाएं तिब्बे यूनानी हो या आयुर्वेदा हो, होम्योपैथिक हो, सिद्धा हो, उन सभी दवाओं को अलग अलग अप्रोचेस के जरिए, चाहे वो इन सिलिको अप्रोच हो, इन विट्रो अप्रोच हो, इन वीवो अप्रोच हो, या फिर आपकी क्लिनिकल स्टडीज हो, उन सभी के इन सभी मराहिल से गुजरने के बाद उस दवा को बताया जाता है कि हाँ ये दवा फागियत की हामिल है। लेकिन इन दवाओं के बकसरत इस्तेमाल की होने की वजह से, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से अभी हाल फिलहाल के अगर एग्जांपल लिया जाए, जिस तरह से कोरोना में देखा गया, कोरोना में जहां पर एजिथ्रोमाइसिन, एवरमेक्टिन, जिंकोविड का बकसरत इस्तेमाल किया गया, वहीं पर यह भी बताया गया कि आप भपार स्टीमिंग कीजिए, अर्क अजीब का बकसरत इस्तेमाल हुआ, जुशांदो का बकसरत इस्तेमाल हुआ, शरबत नगला और आपके लोगों के सपिस्ता नाम से एक तिब्बे यूनानी में दवाएं आती हैं उनका बकसरत इस्तेमाल हुआ और माइल्ड टू मॉडरेट केसेस ऑफ कोविड पेशेंट्स में भी इनकी काफ़ी अफादियत देखी गई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो तिब्बे यूनानी में जो दवाएं मौजूद हैं, दर्ज हैं वहाँ पर, तो उनको काफ़ी इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन इनके बकसरत इस्तेमाल होने के बायस इनमें कहीं ना कहीं जब मार्केट में आती हैं, क्योंकि बींग इन यूनानी मेडिसिन हम जब जानते हैं, हम एकेडमिक्स हैं, रिसर्चर हैं, तो हम जानते हैं कि कौन सी दवा मयारी है, कौन सी दवा मयारी नहीं है। इनके कमर्शलाइज होने की वजह से अतारों ने जो मार्केट प्लेस थी उन्होंने इसमें थोड़ी सी मिलावट शुरू कर दी। मिलावट इन द सेंस, कभी तो वो कफ्जन हुई, बाई नोन हुई कि हाँ बाई कि उन्होंने जानबूझ के एक दवा के साथ दूसरी दवा मिलाई गई, क्योंकि हमें मालूम है जैसे कि मुश्क या अंबर जैसी दवाएं जहाँ पर बहुत महंगी आती हैं, वहीं पर उनकी जगह अगर आप उस जैसा दिखता हुआ कोई चीज़ मिला दें तो जो एक ले मैन है वो उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि कौन सी असली दवा है, कौन सी नकली दवा है। तो इसलिए जरूरत होती है इस बात की कि कौन ये पहचानेगा कि कौन सी असली दवा है, कौन सी नकली दवा है। कई बार लोगों ने जानबूझ के किया इसको, उससे पैसे वसूलने के लिए, कई बार धोखा भी हो जाता है, क्योंकि बेसिकली जो फील्ड पे काम करते हैं, जो कलेक्टर्स हैं हमारी दवाओं के, वो इतना ज़्यादा उनको एजुकेशन नहीं होती है, उनको सही बातों की जानकारी नहीं होती है। इस तरह से वो जो भी लाइक अगर हमने बताया कि अस्ट्रॉल लेके आ जाओ, अस्ट्रॉल की जड़ लेके आओ, जड़ वो निकाल लेते, पता चला उन्होंने तना भी उसमें रख दिया, उसके पत्ते भी रख दिए, बीज भी रख दिए। अगर सपोज करिए वो नहीं, कोई आदमी जानता कि अस्ट्रॉल की क्या चीज एक्जैक्टली इस्तेमाल होती है, तो वो तो जो चीज़ भी उसने लाके दी है अस्ट्रॉल के नाम पे उसी को पीस कर वो जो शांता बना के जो भी फॉर्म उसको बताई गई, शक्ल बताई गई ये दवा की, वो इस्तेमाल कर सकता है।
तो इसीलिए दवा को मयारी बनाने की बहुत जरूरत है कि मार्केट में तो मौजूद है, मार्केट में तो घपला मौजूद है, लेकिन उस जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, मिसमैनेजमेंट कहाँ पर हो रहा है दवाओं को सेल करने के चक्कर में, उसको करेक्शन करने के लिए बीच में हम बायलॉग की तरह खड़े हुए, स्टैंडर्डाइज करें, मयारी बनाएं, ताकि उनके जो अफादियत जो किताबों में दर्ज है, यानी कि जो अतिबा अफराद बयान करके गए हैं, वही अफादियत हासिल हो जाए। हालांकि कई बार इस तरह से हमने बताया कि दवा जो है कई बार लोग गलती से कर देते हैं, हालांकि इसमें ये फैक्ट भी बाद में जारी रखना चाहिए, इस तरह की जाफरान है, जाफरान आपका जो मेन ऑरिजिनेटेड दवा है वो तो ईरान की है या फिर कश्मीर की मिलती है, लेकिन जो हम लोकल अगर हम सोचें कि अलीगढ़ या हैदराबाद जैसी जगह में अगर हम जाफरान का तस्वीर करें तो जाफरान की जगह हमें कुछ और ही चीज मिलती है। कई बार आप जिसे देखेंगे जैसे जाफरान में जो है बेसिकली इसका क्रोकस सैटिवा, इसमें एडल्ट्रेशन के तौर पर क्या किया जाता है कि इसका स्टाइलेंट स्टिग्मा इस्तेमाल होता है। आपको स्क्रीन की साइड से मूव करती हुई दिख रही है? हेलो, नहीं मूव नहीं हो रही है। मूव नहीं हो रही है, आपकी पहली वाली स्लाइड ही नजर आ रही है, स्लाइड्स मूव नहीं हो पा रही। अब मूव हो रही है, अब हो रही है, अब हो पा रही है जी। वी कैन सी द स्टिग्मा हियर जी, एडल्ट्रेशन और ये वाली स्लाइड जो है आपकी जी, थैंक यू। जिस तरह से मैं बता रही थी कि जिस तरह से कॉमन एक जाफरान ही है, जाफरान ईरान का बेहतरीन होता है, बेस्ट होता है, और कश्मीर का हमारे इंडिया में हिंदुस्तान में बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसकी जाफरान और वो महंगा भी काफ़ी होता है, उसमें एडल्ट्रेशन के नाम पर क्या किया जाता है कि इसको स्टाइल स्टिग्मा की जगह जो कई बार तो ऐसा होता है कि जो भुट्टे के ऊपर जो फाइबर्स होते हैं पॉपकॉर्न के ऊपर जो फाइबर्स होते हैं वो इतने ही बिल्कुल थिन होते हैं, थिन फिलामेंट्स टाइप के होते हैं, उनको ऑरेंज कलर करके दवाओं के तौर पर बेचा जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें बादियान को अगर हम देखें जो मार्केट में हमारे पास बादियान दस्तियाब होता है, कई बार हम सोचते बहुत अच्छा मिल गया और कई बार कोई सस्ते में दे देता है तो हम और ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हाँ तो बहुत अच्छी दवा बहुत सस्ते में मिल गई, लेकिन होता है क्या है कि इसमें जो ऑयल मौजूद है उसको ऑयल पहले एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, जो रेजिडुअल मैटर पे बिल्कुल भूसी टाइप का बचता है उसको दोबारा से उसको कलर किया जाता है, उसको थोड़ा एयर करी जाती है, एयर पहुँचाई जाती है, एयर ड्राई करके फिर वही शक्ल रिटेन हो जाती है, उसके बाद उसको फिर मार्केट में बेचा जाता है। ऑयल पूरा एग्जॉस्टेड है, वो सिर्फ एक फाइबर है, रफ फाइबर का रेजिडुअल मैटर है जिसको हम बहुत शौक से सॉफ्ट के तौर पर खाते हैं। और ये एडल्ट्रेशन ना सिर्फ जो मैं बता रही हूँ बल्कि अगर हम देखें जो हम बहुत कॉमन मैंने दवाओं के एग्जाम्पल्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, जैसे कि हम सियाह मिर्च हम लेते हैं तो ब्लैक पेपर की जगह जो पपीते के बीजों को बेच दिया जाता है, सेफ्रॉन जिस तरह से बताए सिर्फ सेफ्लावर की जो फ्लामेंट्स होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, मार्केट में बेचा जाता है। कुचले की जगह अगर मूव करें तो थोड़ा बेहतर होगा, आई एम सॉरी सुंदर लेना थोड़ा सा जी 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 वेरी गुड शुक्रिया जी, अब देख पा रहे हैं, शुक्रिया बहुत। जी ब्लैक पेपर वाली स्टोरी हमने जी ओके थैंक यू। ब्लैक पेपर की जगह पर पपाया सीड्स को सेल आउट किया जाता है, जाफरान की जगह पर सेफ्लावर को भी फिलामेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इस्तेमाल नहीं मतलब जो मार्केट में कमर्शियल जो उसमें मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसको हम मिसमैनेजमेंट कहेंगे, वो किया जा रहा है। इस तरह से कुचले के बीच की जगह उसकी दूसरी स्पीशीज, अगर दूसरी स्पीशीज एक बार को कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की परसेंटेज कम हो जाती है, एफिकेसी थोड़ी बहुत हो जाएगी, लेकिन अगर उसकी जगह ही अगर बदल के आपने दूसरी चीज रख दी तो वो एक बहुत ही गलत चीज़ है जो कि अफादियत के कई बार नुकसान भी पहुँचाया जाता है। इसी तरह जो बहुत क्लॉव हम इस्तेमाल करते हैं तो एग्जॉस्टेड क्लॉव का पूरा ऑयल निकाल के इस्तेमाल कर दिया जाता है। दालचीनी जो हम इस्तेमाल करते हैं कई बार दालचीनी आप लोगों ने भी उसको शायद नोट किया गया हो, दालचीनी जो इस्तेमाल की जाती है उस पर फंगस लगी हुई आती है, व्हाइट कलर की कोटिंग होती है। बहुत कॉमन जो हम मिर्च इस्तेमाल करते हैं, मिर्च की जगह उसमें ये लोग मिट्टी एक ब्रिक पाउडर मिला देते हैं, जो लाल ईंट का पाउडर होता है वो इस्तेमाल करके दिए जाते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़रूरी है कि हम दवाओं को बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज करें, मयारी बनाएं, ताकि दवा की अफादियत मुतासर ना हो। जो कहा जा रहा है जो तिब्बे यूनानी हो चाहे आपकी जितनी भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है आपकी, वो सभी में दवाओं की अफादियत हासिल हो।
और उससे कोई भी चीज मुतासर ना हो। तो इस तरह से फार्माकोपिया, जो एक फार्माकोपिया बेसिकली एक बुक होती है जो गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया गया है, गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया जितनी भी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसमें सारे अतिबाओं के तजुर्बे को मेंशन किया है, जो जो दवा जिस हफाजत के लिए इस्तेमाल की जाती है उनको उन्होंने डिस्क्राइब किया है, जो फॉर्मुलेशन अतिबाहरात ने बनाए हैं उनको भी उन्होंने मुख्तफर तौर पर जिक्र किया है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अब ये कहती है, और इस तरह से न सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुकूमत हिंद बल्कि चाइना के अलग अलग फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया अलग है, हर मुल्क की अपनी फार्माकोपिया खराबादीन होती है जिसमें वो दवाओं की तमाम तफसीलात, दवाओं को बनाने की तमाम तरकीब देते हैं। और साथ साथ हम उसमें ये भी बयान किया जाता है कि हम कौन से पैरामीटर्स को चेक करें और उन पैरामीटर्स को चेक करने के बाद ही दवा को बताएं कि वो दवा मयारी है कि नहीं है मयारी है। ठीक, इस मयारी पैरामीटर्स में अगर हम देखें तो कई दवाओं के हम फिजिकोकेमिकल पैरामीटर्स, फाइटोकेमिकल पैरामीटर्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द फाइटोकेमिकल्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द फाइटोकेमिकल्स आदर थ्रू HPLC, LCMS और Q1 और द सेफ्टी स्टडी। सेफ्टी स्टडीज बहुत ज़रूरी होती है किसी भी दवा को बैन कर, किसी भी दवा को बारे में बताने से पहले। इन फिजिको केमिकल पैरामीटर्स में कई सारे बेसिक पैरामीटर्स हैं लाइक एश वैल्यू, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, बल्क डेंसिटी, pH value, moisture content, melting range, solubility, crude fiber content, alkaloid estimation and alkaloid नहीं बल्कि सारे phytochemicals का estimation किया जाता है qualitative wise भी and then quantitative wise भी, then air spectral study, HPLC, chromatography and all things. Basically maximum हम scientific instruments को use करते हैं अपनी drugs को standardize करने में, बट पैरेलल में ये बताती चलूँ कि इसका मकसद बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि हम उन दवाओं से, अगर सपोज करिए अगर किसी दवा का मुझे केमिकल फाइटो मार्कर एक्टिव मार्कर्स मुझे पता लग जाता है तो उस एक्टिव मार्कर को आइसोलेट करके मैं उसको मार्केट में सेल करूँ। तिब्बी यूनानी इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती है, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर दूँ, हम मॉलिकुलर अप्रोच को नहीं मानते, हम रिडक्शनिस्ट अप्रोच को नहीं मानते, वी कंसिडर द मैन एज अ होल एंड द ड्रग एज अ होल। केमिकल टेस्ट की हम मदद लेते हैं ताकि हम दवा को मयारी बनाएं, हम दवा को हम एक्सपेरिमेंटली हम जिस दवा को प्रूफ करते हैं कि वो दवा उस अफादियत के हामिल है कि नहीं है। और हमारे इंडिया में जितने भी यूनानी कॉलेजेस हैं, एमयू, जामिया हमदर्द, इवन हैदराबाद में भी बहुत बेहतरीन यूनानी कॉलेज वहाँ पर है, तो उसमें वहाँ पर MD भी अवेलेबल, एक आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है हैदराबाद में आयुष गवर्नमेंट के रिलेटेड, तो वहाँ पर जितनी भी दवाओं के ऊपर फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग की जाती है, हर दवा को स्क्रीनिंग करने से पहले स्टैंडर्डाइज किया जाता है कि जिस दवा की एफिकेसी हम कंफर्म करने जा रहे हैं वो दवा असल दवा है कि नहीं, दवा गलत दवा है। इसी तरह फिर इस तरह से एक हम लोगों ने किया था, ज़ाफ़रान मार्केट सैंपल से लिया, 17 सैंपल हमारे एमयू दवा खाने में आए थे, 17 सैंपल में से स्क्रीनिंग हमने की कुछ केमिकल टेस्ट के थ्रू, उसमें से 4 ऐसे पाए थे जो असली थे, बाकी जितने भी 13 सैंपल थे वो सब बेकार, उसमें वो प्लास्टिक के फाइबर्स को कट कर करके किसी में स्केल्स को कवर किया था, किसी में भुट्टे के फाइबर्स में कवरिंग थी, तो इस तरीके से इसमें मिलावट की गई थी, हालांकि उसका जो प्राइस था वो वही लिया गया था। इसको ये तो सिंपल एक केमिकल टेस्ट था जो हम लोगों ने अपने लैब में किया था, ये टेस्ट हमने नहीं किया था, ये टेस्ट किसी और पेपर का है जिसमें उन्होंने UPSC के थ्रू उन्होंने चेकआउट किया कि इसमें जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो एनालिटिकल टेस्ट भी हमारे यहाँ इजाज़त है मगर आइसोलेट करने की नहीं। इसी तरीके कुछ कॉमन टेस्ट हैं जो हमने दवाओं के देखे, ये मेंशन है बेसिकली जो ये मकाला आप मैं पेश करने जा रही हूँ तो एक इंट्रोडक्शन था। एक हमारी दवा है कॉप्टिस टीटा जिसको हम ममीरान कहते हैं, जिसका एक राइबोम होता है जो इस्तेमाल किया जाता है दवा में, इस्तेमाल होने वाली एक बेहतरीन दवा है, और एक बर्बरीन इसमें केमिकल पाया जाता है जो कि बहुत जो कि अगर कहा जाए एक एक्टिव मार्कर है बर्बरीन, इट कंटेन्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ बर्बरीन इन अ सॉल्युबल कंडीशन। रूमेटिक डिजीज में और आई इन्फेक्शन में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। अगर हम कदीमी इस पे तारुफ पे जाएं तो अरेबियन ने इसको को सबसे पहले नोटिस किया था और कहा था कि ये ममीरा ना होके उन्होंने हल्दी से मुशाबहत उन्होंने जाहिर की थी कि हल्दी होती है जिसको उर्क कहा जाता है उर्क, और उसको फिर बाद में फिर और उसको एक्सप्लोर किया गया वैलिश ने 1836 में। फिर देश को रिदू बनाने में पहले अतिबा जिन्होंने की नबाती अदवियों के बारे में एक पूरे किताबुल हशाइश कवि हशाइश की तनकीद की किया, और किताबुल हशाइश में नबाती अदवियों का काफ़ी जिक्र है उन्होंने उसमें मेंशन किया। ये पहली सदी ईस्वी की किताब है जिसमें उन्होंने ममीरा का जिक्र किया। उन्होंने कहा एक आईवी लाइक का एक प्लांट होता है, इसकी पत्तियाँ इतनी चौड़ी चौड़ी हैं और ये हिली रीजन्स में पाया जाता है। केमिकली अगर हम देखें तो इसमें मुख्तलिफ की एक्टिव मार्कर्स मौजूद होते हैं लाइक फेरुलिक एसिड, बर्बामीन, मैंगोफ्लोरिन,
डॉक्टर साहब बड़े ही माजरत के साथ वक्त का मैं एक दफा आपको फिर रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ, अगले प्रेजेंटर्स भी हैं, शिकुर प्लीज जी। ये केमिकल्स में मौजूद है, इसको थेरेप्यूटिकली कई अमराज में इस्तेमाल किया जाता है। जो बेसिकली हम लोगों ने एक्सक्यूज मी सलाउद्दीन साहब 10 मिनट सबको दिया गया था, तो टाइम का जरा जी 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 मेरा वही सवाल था इनसे जी। ओके एंड इफ आई एम कंप्लीटिंग इट, तो ये फिजिकल केमिकल पैरामीटर्स को जो हम लोगों ने ममीरा मार्केट से खरीदा और उसके काफ़ी सारे पैरामीटर्स उसको एसेस किए लैब के अंदर और इनको हम लोगों ने मैच किया अपनी जो फार्माकोपिया में जो पैरामीटर्स अवेलेबल थे उनसे हमने मैच किया। कई सारे पैरामीटर्स इसमें ऐसे भी थे जो कि फार्माकोपिया में मेंशन नहीं थे, तो दीज आर द फर्स्ट रिपोर्टेड फॉर ममीरा एंड वी हैव इंक्लूडेड दैम इन इन पब्लिश फॉर्म। फाइटोकेमिकल एनालिसिस वाज आल्सो डन, टीएलसी वर्क डन टू फाइंड आउट द एक्टिव मार्कर्स, then later on HPLC was also done and it was matched with the berberine standard। हम लोगों ने berberine market से लिया और उसको HPLC के थ्रू हम लोगों ने देखा कि जो RT retention time berberine के 2.1 पे था वो हमारे excess extract में हमारा same rate में मिला और अलहमदुल्ला concentration main जो standard था उसके कम तक उसमें मिला 90% तक उसमें मौजूद था। इसी तरह alcoholic extract में भी same concentration उसमें देखा गया। उसके बाद हम लोगों ने genotypic analysis, हमने एंटी माइक्रोबियल एसेस भी किया डिफरेंट ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देखते हुए, उन बैक्टीरिया को भी हमने स्टैंडर्डाइज किया जीनोटिपिक एनालिसिस के थ्रू RT-PCR के थ्रू बाय ऑपरोन मार्कर्स। एंटी माइक्रोबियल ऐसे हम लोगों ने कई सॉल्वेंट में कई मुहल्लात लेके हमने ममीरा का एक्सट्रैक्ट लिया और उसमें देखा कि कौन से एक्सट्रैक्ट में ज़्यादा इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी आती है और उसमें हमने देखा कि इसकी अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट में तकरीबन सभी जरासीम के खिलाफ बहुत अच्छी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी आई। ये इमेज है गोन ऑफ इनिबिशन का। एंटी फंगल स्क्रीनिंग भी किया गया कैंडी एल्डिडा अल्बिकेंस के थ्रू। फिर हमने सिनर्जिस्टिक हमने कुछ दवाओं के साथ इन दवाओं को मिलाया, फिर उसका देखा कि इसकी तासीर बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। हमने MIC किया मिनिमम इनिबिटी कंसंट्रेशन एंड बैक्टीरियोफेजल कंसंट्रेशन एंड दिस इज ऑल दैट वी हैव डन फॉर अवर ड्रग ममीरा। दिस इज माय थीसिस वर्क व्हिच आई हैव डन इन MIMD एंड दिस इज ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया सुंबल रहमान। डॉक्टर प्रोफेसर पठान साहब अगर आप बच्चे के बारे में, डॉक्टर सुंबल रहमान साहिबा ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर अपने वर्क को पेश किया है और यकीनन ये एक ज़रूरी है कि जितने भी आयुर्वेदिक या यूनानी वगैरह मेडिसिन है इन तमाम को स्टैंडर्डाइज किया जाए और उसमें से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको भी आइडेंटिफाई किया जाए ताकि प्रॉपर उसका है तो यूज़ हो सके। बहुत सही फरमाया मैडम ने कि अगर ज़ाफ़रान अगर वहाँ पर है कश्मीर का हो या ईरान का हो उसके जो इंग्रेडिएंट है वहाँ पर जो मौजूद मादनियात है उसका जो असर उनके वहाँ के पौधों में भी होता है और वही उसी तरह से अगर हम हमारे इलाके में करेंगे तो उसका मौसम और यहाँ की मादनियात वगैरह का जो असर रहेगा वो अलग रहेगा उसके अंदर जो असर जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा, इसलिए उसका स्टैंडर्डाइजेशन होना जरूरी है और उसी के साथ साथ उसको अंदर से एक्टिव इंग्रेडिएंट का पहचानना भी बहुत जरूरी है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत अच्छा मखाला उन्होंने पेश किया है सुंबल रहमान फातिमा सुंबल रहमान मैडम ने। तो अब हम अपने सलाउद्दीन साहब जो जी प्रेजेंटर हैं चार उनको काइंडली बता दीजिए कि 10 मिनट से मोर देन 10 मिनट ना लें क्योंकि हमें दूसरा सेशन भी ज्वाइन करना होगा, तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग 10 मिनट में कंप्लीट करें प्रेजेंटेशन। ये बड़ी तकलीफ जी सलाउद्दीन साहब जिनका वर्क है जो रिजल्ट्स वगैरह है तो उन्हें इंट्रोडक्शन थोड़ा ब्रीफ करने के लिए कहिए और जो उनका वर्क है उनका रिजल्ट एंड डिस्कशन जो है कंक्लूजन जो है वो ज्यादा हाईलाइट करने के लिए। जी जी भाई सभी से गुजारिश है तमाम प्रेजेंटर्स जो बचे हैं और तीन या चार जो भी प्रेजेंट करने वाले हैं उन्हीं हजरात से, जैसे प्रोफेसर आरिफ साहब ने बताया और प्रोफेसर मान साहब ने भी, गुजारिश है ये बड़ी तकलीफदार चीज है कि अगर आपसे कहा जाए कि कम वक्त में पेश करें, लेकिन दिस इज ऑल्सो इन वन आर्ट। अगर आप देखें कि कम वक्त में ज्यादा ढंग से पेश करना दैट्स एन आर्ट,
तो मैं चाहता हूँ आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज अपने वक्त में मकररा में पेश करने की कोशिश करें, और ज्यादा से ज्यादा इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड से ज्यादा आप अपने प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स या कुछ क्रिटिकल पार्ट को बयान करें। तो हमारे अगले प्रेजेंटर इस मखाला निगार डॉक्टर अरशद नबी साहब हैं, जो मलेशिया कोलालमपुर यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया से ताल्लुक रखते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपना मखाला पेश करें, और मैं बता दूं कि वो खुद एक छोटा सा तारुफ अपने मखाले का पेश करें ताकि मैं पढ़ के सुनाऊं कि भाई एवोल्यूशन ऑफ गैस्ट्रो रिटेंटेटिव ड्रग्स पर ये काम कर रहे हैं। बेहतर है वो अपना छोटा सा सिंपल सा तारुफ बताएं और अपने मखाले की तरफ जाएं। डॉक्टर अरशद नबी साहब से, जिनका मखाला मंसूर अहमद फारूकी साहब के इश्तराक के साथ है, तो प्लीज अरशद साहब आपसे गुजारिश है कि अपनी स्लाइड शेयर करें और मखाला शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए था जी। मैं अपनी स्लाइड्स कैसे शेयर करूँ? एक्चुअली मुझे यहाँ ये नजर नहीं आता कैसे मैं शेयर करूँ जी। हमारे यहाँ डॉक्टर सुभाष साहब हैं जी, आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप या सलाउद्दीन साहब या आप किसी को व्हाट्सएप भेज दें, हम लोग शेयर कर देंगे अगर आप कंफर्टेबल है तो। अर्शद साहब एक काम ये करते हैं कि आप अपना व्हाट्सएप सुभाष प्रोफेसर सलमान साहब को भेज दें, और फिर हम सुभाष साहब इंशाल्लाह जी सर, या तो उनको बताइए नीचे जो तीन डॉट्स हैं वो हैं राइट, ये समझाइए उनको, समझाइए वो शायद कर लेंगे। पहले प्रेजेंटेशन खोलिए अरशद साहब जी, प्रेजेंटेशन आपका खोलिए सिस्टम पर। ठीक ठीक खोल दिया उसको प्रेजेंटेशन मोड में ला लीजिए या फिर फिलहाल ऐसे रहने दीजिए। अब फिर आपके स्क्रीन पर एक तीन डॉट लग रहे होंगे ना, ये जो मीट है गूगल मीट में तीन डॉट्स दिखेंगे आपको। जी सर उसको दबाइए, तो उस पर फिर शेयर स्क्रीन बोलकर आएगा, शेयर स्क्रीन व्हाइट बोर्ड चेंज शेयर स्क्रीन तो यार बस शेयर स्क्रीन नहीं आ रहा है सर एक बताइए, कोई एक साहब बताएं प्लीज, या भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, जब तक कोई दूसरा प्रेजेंट कर लेगा आप अगला कर लीजिए। जी, जी, आप किसी व्हाट्सएप पे अपना प्रेजेंटेशन भेज दीजिए। ठीक है सर, मैं अभी भेज दूंगा। अशिफ नबी आप ग्रुप में हैं, आप ग्रुप में भेज दीजिए। जी सर ग्रुप में भेजिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हैं तो उसमें भेज दीजिए आप नोट। ठीक है मैं भेज रहा हूँ। तो कोई टेक्निकल इशू की वजह से हम अगले अपने मखाले की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला मखाला आठवां यानी सेशन का डॉक्टर सैयदा समीना अली साहबा, जो यहीं हैदराबाद अनवरलूम पीजीसी कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल भी हैं, वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड हैं। तो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर समीना अली साहबा से कि वो अपना मखाला पेश करें। समीना अली साहबा मौजूद हैं? डॉक्टर सैयदा समीना अजीज साहब आवाज आ रही सर? जी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सर मेरी आवाज आ रही है। आ रही सर? हाँ अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा स्लाइड शेयर कर रही हूँ, हाँ दिख रहा है सर? और जी स्क्रीन, जी आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, बस अब शुरू कर लीजिए। हाँ सर, तो मेरा जो टॉपिक है वो बायोअब्सॉर्प्शन ऑफ एसिड फ्रॉम वाटर यूजिंग एक्टिवेटेड चारकोल ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूही लीव्स, यानी पानी से तेजाबियत को दूर करने के लिए हमने जूही के पत्तों से हासिल शुदा कार्बन का मौसर इस्तेमाल किया है। अब नेक्स्ट इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं।
क्योंकि मेनली हम वी नो दैट जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो कई तरह के पोल्यूटेंट्स रिलीज करती हैं, उसमें एसिडिक पोल्यूटेंट्स भी एक तरह के बहुत इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स हैं, और ये एसिडिक पोल्यूटेंट्स की वजह से हमारे हेल्थ पे काफी इफेक्ट्स होते हैं। तो हमने कोशिश की है कि उसमें से जो मेजर एसिड पोल्यूटेंट्स हैं, जैसा कि ऑक्सैलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, इन सब को हम पानी से कैसे निकालें, क्योंकि ये जो एसिड्स हैं ये बहुत ही कलरलेस है, इजीली पानी में घुल जाते हैं और इनका निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। तो हमने ये सोच, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ऑक्सैलिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन पानी में ज्यादा हो जाए, जो कि इंडस्ट्रीज रस्ट रिमूवल डीइंकिंग की जगह पे और वो ब्लीचिंग एजेंट की जैसा वो इंडस्ट्रीज में यूज होता है, तो अगर ये पानी में ज्यादा आ जाता है तो ये कई हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सिंपली हमारे बॉडी में अगर ज्यादा हो जाता है तो कैल्शियम के साथ मिलकर ये कैल्शियम ऑक्सीडेट यानी किडनी में स्टोन फॉर्म कर सकता है। उसी तरह से एसिटिक एसिड जो एक और पोल्यूटेंट है, वो कई तरह की इरिटेशन ईयर और आईज और नोज में ला सकता है और हमारे लंग्स को भी डैमेज कर सकता है अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में आ जाता है। सिमिलरली फॉस्फोरिक एसिड भी हमारे बॉडी में अगर ज्यादा क्वांटिटी में आता है तो वो हमारे बोन्स को डिके करता है और प्लस हमारी जो सलाहियत है बॉडी की आयरन जिंक और मैग्नीशियम को जस्ट करने की कुदरती तौर पर उसको बिल्कुल से कम कर देता। तो हमने हमारे लेवल पे ये बहुत छोटा सा तरीका इस्तेमाल किया है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो नॉर्मल लैब में हो सकता है इन एसिड्स को रिमूव करने के लिए यानी एसिड का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। और हमने जो तरीका बायो एडसॉर्प्शन यूज किया है इसमें हमने जूही के पत्ते जो आमतौर पर मिल जाते हैं उनको कलेक्ट करके उनको एडसॉर्बेंट्स की तरह हमने यूज किया है और एक्टिवेटेड चारकोल इसका लेके हमने इसकी जस्ट करने की सलाहियत को टेस्ट किया है इस वर्क में। तो अब आते हैं आखिर ये बायो एडसॉर्प्शन है क्या। जैसा कि हम सभी जानते हैं कोई भी सब्सटेंस पानी से कोई बायोलॉजिकल मटेरियल्स को लेके जो हम निकालते हैं इसको बायो एडसॉर्प्शन कहते हैं। और इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है, इस पे काफी वर्क दुनिया भर में हो रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव है और ये जो बायो एडसॉर्बेंट्स हैं इजीली अवेलेबल हैं। तो हम एक तरह से पत्ते और इन चीजों को कलेक्ट करके वेस्ट को मिनिमाइज भी कर सकते हैं और उसको इफेक्टिव यूज भी कर सकते हैं। और हम ये जो एक इको फ्रेंडली तरीका है यानी इससे कोई ज्यादा नुकसान भी नहीं है, हम इजीली इस पानी में से कई तरह के पोल्यूटेंट्स, ना सिर्फ जैसा कि हमने तेजाब को निकालने की कोशिश की है, कई तरह के पोल्यूटेंट्स जैसे हैवी मेटल्स हैं, डाइज वगैरह हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से जो आते हैं, हम उनको भी बहुत एफिशिएंट वे में निकाल सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारा जो मेथड है, मटेरियल्स जो हमने यूज किए हैं, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जो मटेरियल मैंने यहाँ पे यूज किया है वो जूही के पत्ते हैं एडसॉर्बेंट के तौर पर, और पानी में हम लोगों ने ये तीन एसिड्स को डालकर उनको हमने एड्सॉर्ब किया है। तो सिंपली हमने पहले 0.5 मोलर के एसिड्स के स्टॉक सॉल्यूशंस बनाए हैं, हमने यहाँ पे बैच एक्सपेरिमेंट का यूज किया है और उसके बाद हम ये 0.5 मोलर सॉल्यूशंस को डाइल्यूट करके कई डाइल्यूट सॉल्यूशंस बनाए हमने। फिर हमने जूही लीव्स को जो नॉर्मल अवेलेबल लीव्स हैं उनका हमने मफल फर्नेस के थ्रू चारकोल ऑब्टेन किया है ड्राई करने के बाद, और उसको हम 0.2 ग्राम्स लेकर हम हर एक पर्टिकुलर बैच में उसको डाल देते हैं और हमने ओवरनाइट रख दिया है इसको 24 आवर्स के लिए, सो दैट इक्विलिब्रियम एड्सॉर्प्शन कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन अटेन हो जाए एसिड्स का। तो हमने फिर 24 घंटों के बाद सेंट्रीफ्यूज करके हमने ये जो फिल्ट्रेट्स है उसको कलेक्ट किया है। और उसके बाद ये बहुत ही आसान तरीका जो लैब में है, क्योंकि एसिड्स है, एसिड्स नॉर्मली बेस से रिएक्ट करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने 0.1 मोलारिटी में सेलेक्ट किया है ब्यूरेट में, और हमने नॉर्मल इंडिकेटर जो हमारा है अवेलेबल है लैब में फिनोफ्थलीन को लेकर हमने एसिड की जो मकदार है क्वांटिटी है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। उसके बाद हमने जो कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट किए हैं थ्रू वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, हमने उन पर्टिकुलर वैल्यूज को लेकर फेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म और दो हमने थ्योरेटिकल इक्वेशंस का यूज किया है यहाँ पे जो एड्सॉर्प्शन के ऊपर इस पे हमारे रिजल्ट्स अवेलेबल हैं। तो फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म यानी लॉग एक्स बाई एम इक्वल्स लॉग के प्लस 1/n इनटू लॉग सी। तो ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है, तो हमने इसमें हमारे वैल्यूज रख के हमने रिजल्ट देखे हैं एंड हमारे वैल्यूज से हमें भी फ्रेंडलिच का जो ग्राफ है एज सच लीनियर आया है,
तो हम ये बता सकते हैं कि हमारा एड्सॉर्प्शन जो है वो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को हमारे वैल्यूज फॉलो कर रहा है, तो ये एक इफेक्टिव एड्सॉर्बेंट की तरह प्रूफ हो रहा है। एट द सेम टाइम हमने, क्योंकि ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन पे वर्क है फ्रेंडलिच, तो हमने दूसरी इक्वेशन सेलेक्ट की है लैंजम्यूर इक्वेशन, जो कि मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं। तो हमने टेस्ट किया कि हमारा जो एड्सॉर्प्शन है फिजिकल है, और साथ में क्या ये मोनोलेयर है या फिर खाली फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, तो उसके लिए हमने लैंजम्यूर में भी अपने वैल्यूज को टेस्ट किया है। तो हमने जो लैंजम्यूर के वैल्यूज आए हैं उसके भी ग्राफ्स हमें स्ट्रेट लाइन आए हैं, सो वी गॉट द ग्राफ्स विद अ स्ट्रेट लाइन ऑफ कोर्स विद इंटरसेप्ट्स, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ बताया है। तो ये जो है हमारे फर्स्ट वाला ग्राफ आप देख सकते हैं, एसिटिक एसिड को हमने लिया है log x by m y एक्सिस पे और log ce को प्लॉट किया है, यानी अमाउंट ऑफ एसिड एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस बताता है बाय द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड। सिमिलरली हमने एसिटिक एसिड का भी ग्राफ लिया है, हमें ये स्ट्रेट लाइन आया है जो इसको वेरीफाई करता है कि ये फ्रेंडलिच और लैंजम्यूर एब्जॉर्प्शन दोनों को फॉलो करता है। उसके बाद जो हमने वैल्यूज कैलकुलेट किए हैं फ्रेंडलिच के कॉन्स्टेंट वैल्यूज n और log k वैल्यूज, वो हमने टेबल में प्रेजेंट किए हैं नीचे। यस, तो हमारे ये वैल्यूज हैं log k कांस्टेंट से n है, यानी सलाहियत एफिनिटी कितनी है टुवर्ड्स द एड्सॉर्बेंट, ये 1 बाय n है, यहाँ पे गलती से मेरा 1 n आ गया है, n रेंज इज 0 टू 1 के बीच में आता है, तो ये 1 बाय n की वैल्यू है जिसमें हमें ये क्लियरली पता चलता है कि हमारा जो एड्सॉर्बेंट है बहुत अच्छी मतलब एबिलिटी रखता है, और हम इसको फ्यूचर में भी कई चीजें, कई पोल्यूटेंट्स लाइक हैवी मेटल्स एटसेट्रा को भी किसी और डाइस पर भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें, बढ़ते हैं हमारे कंक्लूजन की तरफ, ये हमारे लैंजम्यूर प्लॉट से ग्राफ से ऑब्टेन किए हुए कॉन्स्टेंट वैल्यूज है विद एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। उसके बाद हम कंक्लूजन की तरफ आए, तो जैसा कि ऑलरेडी हमने देखा कि ये जो बायो एड्सॉर्बेंट है काफ़ी इको फ्रेंडली है और इफेक्टिव है, बहुत ही कम कॉस्ट पर अवेलेबल है। हम लेकर इसकी सलाहियत को देखते हुए हम कई चीज़ों को पानी से निकाल के पोल्यूशन कम करने में यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही सिर्फ पोल्यूशन कम ही नहीं करना, उसके साथ हम अब इसके फ्यूचर एस्पेक्टिव्स भी कुछ देखते हैं। तो हम कई, क्योंकि बायोसॉर्बेंट से हम डिसॉर्प्शन पैरामीटर यूज़ करके हम फिर से जैसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, कुछ डाइस हैं या कुछ ऐसे हैवी मेटल्स, कुछ और वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स अगर पानी में हैं, तो हम उनकी रिकवरी कोशिश भी कर सकते हैं डिसॉर्प्शन प्रोसीजर यूज करके। और हम ये कोशिश हो सकती है, ये जो टेक्निक काफी लेवल पे इस पे वर्क हो रहा है, इसको और अच्छे से अगर हम थोड़ा काम करें तो एक लार्ज स्केल पे पोल्यूशन रिमूवल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ वाटर ट्रीटमेंट बहुत अच्छा काम हो सकता है बायो एड्सॉर्बेंट्स को यूज करके। और तो एक अच्छी टेक्निक है, इको फ्रेंडली टेक्निक है। सो दिस इज आवर वर्क, हमने जो वर्क किया है ये रेफरेंसेस हमने हैं कुछ कलेक्ट किए हैं, एंड विद दिस आई थैंक ऑल द ऑर्गेनाइजर्स एंड स्पेशली नजमुल हसन सर एंड सलाउद्दीन सर, कसीमुल्ला सर एंड ऑल द ऑर्गेनाइजिंग टीम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, शुक्रिया सर। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही उम्दा तरीके से जास्मीन लीफ का बेहतर इस्तेमाल आपने बताया। मैं प्रोफेसर पठान साहब से चाहूंगा कि कुछ आपके इस मजमून या इस मखाले पर अपने नजरियात। समीन आजिज मैडम ने बहुत अच्छा मखाला पेश किया है, और बहुत ही उम्दा और इको फ्रेंडली मेथड है। इसमें कुछ चीजें जो और एडिशनल की जा सकती है, जैसे फ्रैक्शनल रिमूवल वगैरह जो है, FR वैल्यूज जो ऐसे है, या फिर उसके अंदर इक्विलिब्रियम पैरामीटर्स है जी। हाँ, उसमें आपने मुझे लैंग्मुइर कांस्टेंट जो है बी की वैल्यू ये आपने कैलकुलेट करनी है, तो अगर RL की वैल्यू जो होती है जिसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पैरामीटर्स, तो वो उससे है तो हमको पता चलेगा वैल्यूज, अगर अगर मोर देन वन है तो अनफेवरेबल है, RL की वैल्यू अगर 1 है तो लीनियर रिलेशनशिप है, तो इस तरह से फेवरेबल है, रिवर्सिबल है, ये पैरामीटर्स भी हमको उसके अंदर से, क्योंकि सिर्फ उनको रिमूव करने के बाद में उनको दोबारा या तो रिकवर करना है या फिर तो उसको किसी इसमें डाल लेना है जी, जैसे डस्ट वगैरह डस्टबिन वगैरह में हम डाल लेते हैं, सिंक में डाल दे रहे हैं, तो एक जगह से तो हम पोल्यूशन कम कर पाएंगे लेकिन दूसरी जगह पर पोल्यूशन बढ़ जाएगा। yes, तो अगर हम उसको रिकवर कर सके किसी वजह से, तो
ये हमारे लिए मतलब स्टडीज का और डबल जिसको बोलेंगे कि एडवांटेज रहेगा। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर, विल ट्राई सर इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ देखिए एक और लैग्रेंजियन इक्वेशन जो है काइनेटिक्स उसकी स्टडीज ये भी और उसको मौसिर बना सकती है। जी जी, तो आप उसके ऊपर भी थोड़ा सा काम कीजिए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, शुक्रिया मैम, शुक्रिया सर। तो इस तरह हमारा अब हम और अगले मखाले की तरफ जानिब जाते हैं। हमारा अगला मखाला है मंजूर अहमद मलिक साहब का, जो फ्लुकोनाजोल और एम14 बी के डेरिवेट मुख्तलिफ एंटीफंगल स्टडीज के लिए इस्तेमाल करे हैं। और ये मंजूर अहमद मलिक साहब और मोहम्मद यूनुस वानी साहब के इश्तराक के साथ ही पेपर प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो मैं मंजूर अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूं, डॉक्टर मंजूर अहमद साहब से, कि वो आएं और अपना मकाला पेश करें। मंजूर अहमद मलिक साहब। डॉक्टर सलाउद्दीन, एक्सक्यूज मी, एक्चुअली वहां पे जो जहां पे वो रहते हैं कश्मीर में, वहां पे एनकाउंटर हुआ है अनफॉर्चुनेटली, तो उनका इंटरनेट वगैरह सब स्नैप आउट हो चुका है, so he cannot attend this conference. I'm really sorry for that. معذرت چاہتے ہیں، اللہ بہتری فرمائے حالات کا، آمین آمین جی۔ تو ہم اگلے اس طرح، بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ ان سب پہ بہتری فرمائے اور حالات پر ہم فرمائے۔ تو اس طرح ہم اور اگلے مخالے کی طرف جاتے ہیں، شہید الاسلام صاحب کا، جو اس سیشن کا مطلب آخری، ویسے ایک ہم نے وہ ریڈی ہیں ڈاکٹر صاحب، ارشد نبی صاحب کا، سلمان صاحب، جی 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 ان کا، جی آگے پی پی ٹی، سبھاش صاحب ڈاکٹر سبھاش صاحب، یہ جو جی، لیکن ان کو آپ بھیجنا پڑے گا سبھاش صاحب کو، سر جب تک آپ بھیجیں تب تک ہم یہ لاسٹ والا مخالہ، نہیں سر وہ آ گیا ہے، شیئر کر دیتا ہوں سر میں۔ اوکے سر پلیز، تو میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر ارشد نبی صاحب کو۔ ارشد نبی صاحب آپ موجود ہیں، سن پا رہے ہیں ہمیں؟ ڈاکٹر ارشد نبی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنی سلائیڈ دیکھ پا رہے ہیں ارشد صاحب؟ جی 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 سر، جی سر، تھینک یو۔ ایکچولی یہاں تھوڑی پرابلم تھی، اس لیے تھوڑا پرابلم ہو گیا۔ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، مطلب آپ برائے مہربانی شروع کریں گے۔ تھینک یو، تھینک یو۔ اصل میں میرا جو یہ ہمارا کام ہے، اس میں میں تھوڑے سے ریزلٹس آپ کو دکھاؤں گا، ٹائم بہت کم ہے اس کی وجہ سے۔ ہم نے اصل میں کوئی نیا ڈرگ نہیں لیا ہے، جو کمرشلی اویلیبل ڈرگ فارمپٹاڈین ہے اس کو لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے پالیمر کو جوڑا ہے تاکہ جو اس کی ڈرگ ڈیلیوری ہے اس کو ہم دیکھیں، اس کی ایفیکیسی کو ہم چیک کریں۔ سر کیا میں سلائڈز کو اوپر نیچے کر سکتا ہوں؟ اگر آپ کہہ دیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں، آپ کہہ دیجیے۔ نہیں آپ کہہ دیجیے، نیکسٹ سلائڈ تو میں موو کر دوں سر، یہاں سے کر دیں گے آپ کو۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سر۔ فارمٹاڈین ڈرگ جو اصل میں ہے، یہ جو معدے کی پرابلم ہوتی ہے، گیسٹرو پرابلمس ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا جو ریلیز ہے، ڈرگ ریلیز ہے، وہ بہت کوئک ہے اور زیادہ دیر تک یہ معدے میں نہیں رہ سکتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے اس کو پالیمر کے ساتھ جوڑا ہے اور پھر اس کی ایفیکیسی کو چیک کیا ہے کہ کتنی دیر، جتنی دیر ہمارا جو مین آبجیکٹیو اس ریسرچ میں تھا کہ ہم دیکھیں کہ جو پالیمر ہیں، جو ڈرگ ہیں، اس کو بہت دیر تک معدے میں رکھ سکیں، اور اس کے لیے ہم نے کچھ ایکسپریمنٹل ورک کیا ہے جو میں دیکھنے جا رہا۔ سر پلیز سیکنڈ سلائیڈ میں آپ ذرا دکھائیے گا۔ یہ ہم نے جو ڈرگ ہیں اس کو کس طرح سے ڈفرینٹ پالیمر کے ساتھ جوڑا تھا، اور کس جیسے ہم نے پھر اس میں کوڈز دیے تھے F1 F2 F3 F4 F5 اور F6، اور جو ریشو آف ڈرگ پالیمر ہے اس کو چینج کر کے ہم نے دیکھا کہ کتنی دیر تک یہ ریٹین کر سکتا ہے فار ڈرگ ڈیلیوری پورشن کے لیے۔ سر سیکنڈ سلائیڈ پلیز۔
ये हमारे नतीज आए थे कि हमने देखा कि जो हमने F3 वाला पोर्शन F3 ड्रग लिया था पॉलीमर के साथ, वो बहुत देर तक रिटेन कर पा रहा था स्टॉक में, और हमारा एक्चुअल जो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम ड्रग को बहुत देर तक रख पाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे हमने इसकी काइनेटिक्स को भी चेक किया था, जैसे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और ही जो ऑर्डर्स, ताकि मैकेनिज्म ऑफ ड्रग को हम देख पाए। सर सेकंड प्लीज साइड। ये स्टडी हमने यूवी से देखा था कि जो ड्रग है और उसका हम इंटरेक्शन देखे कि वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है पॉलीमर के साथ, लेकिन हमने ये पाया कि पॉलीमर के साथ ड्रग की कोई ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रही, वो उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है कि ताकि उसकी जो अपनी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं वो जाया ना हो जाए। सर नेक्स्ट। सो हमने ये इस रिसर्च में ये पाया कि जो F3 का हमने जो पोर्शन बनाया था, ड्रग का रेशो जो बनाया था, वो बहुत एफिशिएंट था। सर थैंक यू फॉर दिस प्रेजेंटेशन। शुक्रिया जनाब। मैं इफ आई एम राइट कि आपने जो रिटेंशन टाइम है ऑफ कोर्स मतलब उसको इंक्रीज करना चाहा पॉलीमर्स के लिए। जी जी सर। क्या आप किस टाइप के पॉलीमर्स हैं? एक आध दफा मेरा अपना पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूं अगर आप इजाजत दें। जी सर। व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर दोज? किस बेस है? नेचुरल है, सिंथेटिक है, या फिर ऑलरेडी उनकी प्रॉपर्टी नॉन है? सिंथेटिक पॉलीमर्स है सर, इनकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी नॉन है। ओके। स्ट्रक्चरल वाइज मतलब आपने पॉलीमर लिए कमर्शियली अवेलेबल है? जी जी सर, कमर्शियली अवेलेबल पॉलीमर। ठीक है। अच्छा साहब, प्रोफेसर पठान साहब, आप इनसे कुछ इनकी टॉक पर कुछ अपनी राय देना चाहें तो हम। हाँ, पॉलीमर का इस्तेमाल आमतौर पे हम कैप्सूल वगैरह के कवर में करते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वो नॉन हजार्डस, गैर नुकसानदेह हो हमारे लिए, और मुनासिब जो है तो हमारे बॉडी के पार्ट में जहाँ पर जरूरत है वहाँ तक हमारी अद्वियात पहुँच पाए, तो एक अच्छा वर्क है। और बाकी की डिटेल भी और मिल पाती तो और अच्छा होता सबके लिए। बहरहाल जैसे कि अभी सलमान वानी साहब ने कहा है कि वहाँ पर जो प्रॉब्लम है, तो हमारी भी दुआ है कि भाई ऐसे मसाइल से तो वहाँ सब लोगों को आज़ादी मिले, मसाइल हल हों के, और जो भी मसाइल है उससे आज़ाद हो जाएँ वो, और तकलीफ़ों से आज़ाद हों। इस दुआ के साथ मैं अगले पार्टिसिपेंट के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पठान, बहुत शुक्रिया। हमारे इस सेशन के थैंक यू। हमारे इस सेशन के आखिरी जो टॉक है, मसाला है, शाहिदुल इस्लाम साहब हैं जो फार्मुलेशन टेक्निक अपना रहे हैं कुछ नेचुरल कंपाउंड्स को लेकर के, एंटी बैक्टीरियल और एंटी स्केवेंजिंग मतलब स्केवेंजिंग प्रॉपर्टीज रखने वाले टेक्सटाइल की तैयारी में। तो मैं शाहिदुल इस्लाम साहब से गुजारिश करता हूँ, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, प्लीज अपना मखाला पेश करें। शाहिद साहब आप मौजूद हैं? शाहिदुल इस्लाम साहब, सलाउद्दीन साहब मेरे ख्याल से ये भी मौजूद नहीं है, ये भी उसी जगह से ताल्लुक रखते हैं जहाँ से शाहिद साहब ने जिक्र किया। तो अगर ना हो तो फिर हम, क्योंकि दूसरे सेशन भी सबको फिर 2 बजे शुरू होने वाले वाले अटेंड करनी है, लेकिन बीइंग ए चेयर मैं प्रोफेसर आरिफ पठान साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं कि इन सब के बारे में अपनी राय बताएं और कुछ अपने ख्याल सुनवाएं। सबसे पहले तो मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स का, तमाम प्रेजेंटर्स का को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे मखालाजात पेश किए। ख़ास तौर से जो है जो पहला हुमा कौसर मैडम ने जो पेश किया था जो नैनो कंपोजिट्स के ऊपर है,
ये एक बेहतरीन और रिसेंट टेक्नोलॉजी से में से रिलेटेड है और एक अच्छे वर्क के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और हमारी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकता है। इसके अलावा नाई फातिमा मैडम ने भी बहुत अच्छा है तो मखाला पेश किया जिसमें उन्होंने मॉलिकुलर स्टडीज़ मॉलिकुलर डॉकिंग वगैरह की भी स्टडीज़ की है और बाकी की जो चीज़ें हैं उनको अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है, उन्हें भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसे मोहसिन साहब ने उन्होंने क्विनोलिन के उससे रिलेटेड टॉपिक के ऊपर उन्होंने अपनी जो रेफरेंसेस है और उसकी जो बारीकियां हैं वो पेश की। और उसके बाद में सुंबल रहमान साहिबा ने मखाला पेश किया जिसमें देसी दवाइयों की मियारबंदी के बारे में था। फिर समीना अजीज साहिबा ने वाटर पोल्यूशन और उसके एडजॉर्प्शन से रिलेटेड एक मखाला पेश किया। अरशद नबी साहब ने गैस्ट्रो और टेटेडीन के और पॉलीमर्स के साथ उनके इससे बाइंडिंग जो रिटेंशन है बॉडी के अंदर द्वियात का उससे रिलेटेड है तो यहाँ पर मखाला पेश किया और अच्छे मखाले पेश किए गए। वर्क भी अच्छा क्वालिटी वर्क था और बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया गया। और ख़ास तौर से जो हमारे वानी साहब है उन्होंने जिस तरह का वर्क है वो हमारे लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। हमारे पास चूँकि फैसिलिटीज़ जो है उसके अंदर थोड़ी सी तक डिले होता है, एंटी कैंसर एक्टिविटी है एक लिमिटेड जगह पर होता है, वहाँ पर नंबर लगे होते हैं, 6-6, 8-8 महीने इंतज़ार करना पड़ता है नंबर आने के लिए, फिर उसके बाद स्टडीज चालू होती है। तो इसलिए अगर उनसे अगर किसी तरह से तो मदद मिल सके तो तमाम ही हमारे जो शुरका है तो एक फ़ायदा है, तो अच्छी क्वालिटी वर्क भी हम दे सकते हैं, समाज का भी फायदा हो सकता है। और वैसे भी वानी साहब ने हमें है तो ऑफर दी है कि वे एक कोलैबोरेटिव वर्क हम उनके साथ मिलकर कर सकते हैं। तो मैं तमाम शुरका को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ास तौर से जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं रिसर्च स्कॉलर्स हैं स्टूडेंट्स है उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ रब्ता बनाते हुए अच्छा एक है तो कोलैबोरेटिव वर्क और उससे कुछ है तो एक मानखेज तो रिसर्च है तो हम समाज के लिए दे सकते हैं। मैं तमाम सलमान साहब का, कासिमुल्ला साहब का और हमारे सलाउद्दीन साहब का तमाम का है तो शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस सेशन को शेयर कर सकूं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आरिफ पठान साहब। और यहाँ पे हमारे काउंसलर कांग्रेस के कन्वीनियर साहब भी मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर प्रोफेसर नजमुल हसन साहब कुछ अल्फाज कहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब जो आप हमारी कबूल किए हमारा इनविटेशन और बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट किए। सलाउद्दीन साहब आपका शुक्रिया और सलमान साहब और सारे प्रेजेंटेशन अच्छे थे। मेरा एरिया है नहीं केमिस्ट्री लेकिन मैं काफ़ी समझ सका हूँ और काफ़ी मेरा भी इजाफा हुआ है, तो शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका। शुक्रिया सर। इसी बात के सर सलमान साहब बीइंग अ हेड आप कोई अल्फाज या कोई हमारी अपनी डिपार्टमेंट की जानिब से। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया नजम सर, अलीम बासा साहब और डीन मैडम प्रोफेसर प्रवीण जहां और आप सभी प्रेजेंटर और पार्टिसिपेंट का जो आप इसको कामयाब बनाएं। बहुत से ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आए हैं जिनकी उर्दू एक्चुअली गूगल ट्रांसलेट में थी तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, उसके लिए बहुत माजरत। तो हम लोगों ने सिर्फ 10 एब्स्ट्रैक्ट जो है एक्सेप्ट किया और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम लोग ये कंटिन्यू रखेंगे, कोई कॉन्फ्रेंस करेंगे। और रही बात आरिफ साहब पठान साहब की, इंशाल्लाह हमने आपके काम देखे हैं पठान साहब, बहुत कोरिलेट करते हैं हम लोग से इंशाल्लाह, और हम लोग कुछ फर्दर फोटो फिजिकल स्टडी पे इंशाल्लाह कुछ काम करेंगे। थैंक यू सो मच पठान साहब, आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया आज, शुक्रिया बहुत बहुत, जजाक अल्लाह। थैंक यू।
शुक्रिया। इसी के साथ मैं ये प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब ले जाता हूँ। तमाम शुरका से दरख्वास्त करता हूँ, अगर आप चाहें, जैसे मानू और हमारी कांग्रेस का मकसद और अगराज और मकासिब में शामिल था कि हम एक प्लेटफॉर्म मुहैया करें, तो अगर आप मुनासिब समझें तो इस ग्रुप को इसी तरह रखा जाए और साइंटिफिक डिस्कशन और कोलेबोरेशन के लिए एक जरिया बनाया जाए, अगर आप सब मुत्तफिक हों तो। मैं गुजारिश करता हूँ कि ताकि हमारी कोलेबोरेशन इंशाल्लाह आगे भी बनी रहे। और मैं एक दो लफ्ज डॉक्टर वानी साहब को भी कुछ कहना चाहता हूँ कि आप भी कुछ कहें, माशाल्लाह आपका वर्क, ताकि इन बच्चों की थोड़ी हिम्मत अफजाई हो जो रजिस्टर्ड स्कॉलर्स हैं। डॉक्टर वानी साहब, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर सलाउद्दीन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। आई वाज एक्चुअली वेटिंग टू स्पीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यू नो एक कोशिश है, यू नो आई रियली अप्रिशिएट दिस डॉक्टर पठान, यू नो डॉक्टर सलमान इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड। तो मेरी तरफ से जितनी भी हेल्प यू नो पॉसिबल हो, आई एम ऑलवेज रेडी, यू नो ऑलवेज अवेलेबल। कोई भी मुझे ईमेल कर सकता है, जितने भी कोलैबोरेशन में, जितने भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ या इन सिलिको स्टडीज़ में मेरी हेल्प चाहिए या इन विवो स्टडीज़ में जितने भी कोलैबोरेशंस हैं, हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। या जितने भी बच्चे हैं उनको अगर कोई हेल्प चाहिए केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, क्योंकि आई वर्क इन द फील्ड ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री ड्रग डिस्कवरी, जितने भी यू नो जितना भी पॉसिबल हो सके आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तो आई थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। आई थैंक यू ऑल। नो थैंक्स अ लॉट, आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि ये जज्बा रहना तो हम ये करते हैं कि इस ग्रुप को इसी तरह व्हाट्सएप ग्रुप को डेफिनेटली रखते हैं, सो दैट वी कैन एंड वी कैन ऐड इवन वी कैन ऐड मोर पीपल टू दिस ग्रुप, यू नो दैट्स ग्रेट। माशाल्लाह आपका बच्चे हैं जो हमारे यहाँ नेचुरल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं और करना अभी शुरू किए हैं, तो इट कुड बी अ ग्रेट स्टार्ट एंड इट कुड बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस। सो विद दिस मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ अपने वक्त का और अपनी मेहनतों का। उन तमाम बच्चों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, रिसर्च स्कॉलर्स को, जिन्होंने अच्छी कोशिश कर अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करना चाहा, और इंशाल्लाह दुआ है कि इससे बेहतर हम प्रेजेंट करें और बी इन टच एंड गेट मींस एक दूसरे से कुछ रब्ता बनाए रखें, नेटवर्क बनाए रखें। और विद दिस आई वांट टू एंड दिस सेशन हियर एंड शुक्रिया प्रोफेसर पठान साहब और तमाम शुरका और हमारे कन्वीनर डॉक्टर नजमुल हसन साहब, और शुक्रिया सुभाष साहब जो इन्होंने मुसलसल हमारे साथ टेक्निकल सपोर्ट हमें प्रोवाइड किया। हालांकि हमारे साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में जो हमें सारी टेक्निकल हेल्प मुहैया करते हैं। विद दिस आई वांट टू एंड दिस सेशन एंड थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे। और कुछ सेशंस बाकी हैं जो भी इंटरेस्टेड हैं 2 बजे के बाद, और वैलिडिटी फंक्शन भी हमारा है, अगर आप चाहें तो दैट्स वेरी वेल कि आप ज्वाइन कर सकें। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स अ लॉट। शुक्रिया सर। सुभाष सर, वी कैन एंड दिस सेशन नाउ।